पकड़ के दिखाओ। हे चलो 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 भैया के घर में अटैक। हे रुको, आज उस कमरे में नहीं जा सकते। शीनू भैया की शादी हुई है ना। एक घूंट में नहीं, धीरे धीरे करके दूध पीऊंगा। तैयारी के साथ आइए, थोड़ी ओवर एक्टिंग करता हूँ। इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रही हो, थोड़ा और धीरे आओ ना। लोटे में क्या लाई हो? ये लीजिए, बादाम वाला दूध। अरे ये तो वही लोटा है जो बाबूजी सुबह सुबह खेतों में ले जाते हैं धोने के लिए। इतनी अनहाइजीनिक सुहागरात प्रेम कथा में टॉयलेट घुसेड़ दी। चलो इसे खेत का गुडलक समझ के वो काम शुरू करते हैं जो खेतों में छुप छुप के झाड़ियों के बीच करते हैं। अरे ये क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई? बिजली का पावर तो चला गया पर मेरा पावर इस मोमबत्ती के पिघलने तक चलता रहेगा। मम्मी मोना बचाओ। क्या हुआ रे, गेटअप क्यों हुआ? घोस्ट का सपना देखा क्या? नहीं, एक भयानक चुड़ैल का देखा। आलतू जलाल तू, बुरी बला को टाल तू, माय सन को छोड़ दे, फास्ट यहाँ से रन तू। माँ सर से भूत भगा रही हो या डैंड्रफ? ए तू शट अप रे, कुंवारे लड़कों को देखते ही चुड़ैल कब्जा कर लेती है। माँ बस करो, होने वाली बहू को कोई चुड़ैल करता है? कलकत्ते वाली नीम डाली के बजाय चप्पलों से मारना चाहिए इसे, यूज़लेस फेलो। तू किसमें? किसी के मुंह पे थूको तो चलेगा। बापे थूकेगा? थूक 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 थूक। हाँ तो थूक दे, बापे थूक। लगता है मेरी सपने वाली भूतनी इन पर चढ़ गई है। अरे किसका बनाया? अरे हर प्रॉब्लम के लिए मुझे फोन करेगा, बाकी दुनिया मर गई है क्या? अरे आवारा गर्दी करेगा, दिन को तो सपने आएंगे ना। और दिन में आवारा गर्दी करूंगा तो हीरोइन सपने में आएगी क्या? क्यों टंग लड़ाता है बाप से? आप तो कुछ बोले ही मत, आपने कहा 3 महीने के अंदर शादी करने के लिए, तब से दिमाग पर शादी का भूत चढ़ा। डोंट वरी, बाबा घंटा दास के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। माँ मुझे बाबा नहीं बेबी की जरूरत है। राइट लेफ्ट ओके। ए भवानी, इसको बोल दे कि आज लड़की देखने जाना है, शाम को घर पे रहे, कहीं जाए नहीं, पिछली बार पता नहीं कहाँ भाग गया था। ए सुना ना? हाँ सुना माँ, टाइम से वापस आ जाऊंगा। देख तो हु इज ऑन डोर। फ्रेंड आया है। बोला था ना सुबह सुबह आ धमकेंगे। निकम्मो में शर्म नाम का एस भी नहीं है, एक नल्ला दूसरे फोकटे से मिलने के लिए आ गया, दिन को भंगार बेच के रात को उस कमाई का ठर्रा पिएगा। तारीफ मुंह पे क्यों नहीं करता? आप ही का लंगोटिया यार तो खड़ा है नीचे। सपना चला, सुना गलती हो गई यार, कीड़े पड़े तुझे, माफ कर देना वो भी कटर के। अपने इकलौते दोस्त से बिछड़ जाने के बाद बेचारे का दिल टूट गया। मैरिज हॉल का इकलौता मालिक, खाना सोना और दिन भर पड़ोसियों के बच्चों को परेशान करना, बॉल के 2 टुकड़े करना, कैरम पर पानी फेरना, यही उसका काम है। भागो। घर में एक प्यारी सी पत्नी है, भगवान की इतनी पूजा करती है कि भगवान खुद स्वर्ग लोक से नीचे चले आते हैं। भगवान के अलावा अगर किसी में आस्था है तो वो है बाबा घंटादास। तुम्हारे बेटे की शादी के लिए सभी ग्रह राजी हैं। रवि के यहाँ है, शनि के यहाँ है, बुध चक्कर खा रहा है और केतु उसे घुमा रहा है, पर निवारण है अगर सफेद कौए की चोंच में गोभी का रायता बनाकर उससे गांव के 4 चक्कर लगवाएं तो कौआ चक्कर खाएगा लेकिन आपके बेटे का चक्कर चल जाएगा। मेरी बात भेजे में उतरी या ऐसे ही सर हिला रहे हो? उसके सन्यासी बनने का योग है, 3 महीने में शादी करवा दो वरना फुर्र हो जाएगा। बेटे की शादी के बहाने दोनों को लाइफ में एक मिशन मिल गया, मिशन मैरिज। एक हफ्ते से नाप ले रहे हो, कब से लोगे? भाभी परसों कहाँ तक पहुँचा था मैं? यहाँ तक पहुँचे थे। ओ इधर तक ही पहुँचा था? हाँ ठीक है, लिख के लेता हूँ मैं, 18-28। भाभी कल आना कमर का नाप देने के लिए। ओके अबे कितना ताला बंद करने, ये देख कैसा है भाई। शिनु भाई कैसा है? क्या बच्चे सुना है कि तू लड़की देखने को जाने वाला है? नशा उतार के जाना है, ज्यादा पीना मत। क्या मत पीना, ऑलरेडी 2 घटक चुका और हम लोग को भूल गया। पी पी के टाइटैनिक से बड़ा पेट हो गया, और पिया तो डूब जाएगा, चखने की भी जगह नहीं है। हाँ चंद्र भाई ब्लाउज रेडी है क्या? दीपक भाई वो ब्लाउज थोड़ा टाइट हो गया था और नाके पे दिया चेले को ठीक करने के लिए। क्या यार तू एक महीने से यही बोल रहा है? चमन इधर। हाँ बोल ना भाई। ये टीवी स्टार अमीर चंद है ना, ये अमीर चंद से फकीर चंद कैसे बन गया? मेरी बीवी के बारे में ज्यादा मत बोल तू यार। बीएमडब्ल्यू में हीरोइनों को दिन भर घुमाने वाला आदमी बाइक पे हिप्पोपोटामस को क्यों घुमा रहा है? इसकी दादी ना मलने वाली थी, मरने से पहले बेटे की बहू का मुंह देखना चाहती थी, दादी के बाद ये पनौती आ गई और इसकी लुटिया भी डूब गई, दादी कलेगा तो तमत जाएगा। इसका तो डबल बेड भी ट्रिपल बेड हो जाता होगा। नहीं
अगर मेरी भी लुटिया डूब गई तो? इस लफड़े से बचने के लिए लव मैरिज कर ले। हे, फाटा खोल। खुल के बता ना। अरेंज मैरिज में सुंदर लड़के को हमेशा खराब लड़की मिलती है, और जो खराब लड़का होता है ना उसको एकदम स्मार्ट लड़की मिलती है। और ये लोग बोलते हैं ना कि दो लोगों की जोड़ी आसमान में बनती है, अरे मैं तो बोलता है कि उसको पकड़ के उसका नाड़ काट दो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। अरेंज मैरिज के बाद आदमी की वाट लग जाती है। चंद्रू बेबी ये लो जूस पी लो। अरे मेरी जानू, तू मेरे को जहर ला के भी देगी ना वो भी मैं पी लेगा। ओ मेरी नॉटी। अच्छा आज का कोटा पूरा हो गया जानदर, देखा कितना प्यार करती है। लव मैरिज है, ऑरेंज वाली नागिन की तरह डसती है और लव वाली हमेशा चिपक के रहती है। भाभी की नजर कमजोर है जो तेरे साथ रह रही है, मैं कैसे मान लूं कि ये सच बात है? फकीर चंद सबूत है, तेरे को झूठ नहीं बोलूंगा। एक बार पुंगी बजी ना फिर तेरे को फरिश्ता भी नहीं बचा पाएगा। घर वालों के लिए हम चलता फिरता चेक है। अरे इतना छोटा बात नहीं समझ रहे तू, 50,000 रुपया नकद और ये खटारा बाइक कितना सस्ते में बिक जाते हम लोग। बिड़ू आज तू भी लड़की देखने जाला है ना, तेरे को भी बेच देंगे। आज मेरा बात कान खोल के सुन ले, वो बंदरिया को पेंट मार के हीरोइन बना के बाजू में बिठा देंगे, फिर बोलेंगे बोल कैसी है। लेकिन तू भूल कर भी चेहरे के झांसे में मत आना, अगर तूने हाँ बोल दिया ना तो समझ जिंदगी भर की तेरी वाट लग जाएगी। दिन भर खुजली वाले कुत्ते की तरह भटकता रहेगा और बड़ी आंख वाले उल्लू की तरह रात भर जागता रहेगा। ऐसा जिंदगी चाहिए तेरे को? बोल सीनू। चंद्रू तुम्हारा फोन। देखा तूने, ये फोन मेरे हाथ में है और बोल रही है कि फोन आया है। ये है जुमा का जू। डार्लिंग, डार्लिंग। जल्दी। ए तीनू भाई, तू ना इस तेल लड़की बात को दादा दिल पे मत ले, भगवान का नाम ले और जाके लड़की। इसकी बात में दम है चमन, औरतें सीरियल देखकर उतना नहीं रोती जितने बेचारे आदमी अपनी शादी की सीढ़ी देखकर फूट फूट के कोने में रोते रहते हैं। और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे भाग्यवान कहाँ रह गई, खुद सज रही हो या बेटी को सजा रही हो? नमस्ते नमस्ते, कमला तैयार हो रही है, अभी एंट्री मारेगी। माँ ये कौन है? दिस इज गर्ल की माँ। मासी तो बेटी कैसी होगी? गर्ल को तो देख के जा। अरे जब कपड़े का थान ऐसा है तो कट पीस भी तो ऐसा ही होगा। नोज मत कटवा मेरी। ये आपका इकलौता बेटा है? मेरी भी इकलौती बेटी है, इतना पढ़ाया कि पढ़ाई कम पड़ गई। कुछ बेटी को दे देगा तो खुद क्या भीख मांग के खाएगा? थोड़ा चूना लगाना पड़ता है। 50,000 रुपया नकद और ये खटारा बाइक कितना सस्ते में बिक जाते हम लोग। ये चूना कत्था लगाना बहुत हो गया, जल्दी लड़की को बुलाओ। क्यों सन, हार्ट में लड्डू फूटा ना? पसंद आया? वो लड़की को पेंट मार के सजा के तेरे बाजू में बिठाएंगे, फिर बोलेंगे बोल कैसी है। लेकिन तू भूल कर भी कुछ मत बोलना। इस लाली लिपस्टिक के पीछे छुपी असलियत देखनी पड़ेगी। रिवाइंड फेस वॉश। अरे ये क्या है? महारानी से सीधा कांताबाई, वॉलपेपर क्या बदला, पूरा होलिया ही बदल गया। एक काम करो, लड़की का मुंह अच्छे से घस घस के धो और ऐसे पुरानी नाइटी पहना के ला। अरे मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी। एक काम करो, माँ की वो वाली नाइटी पहनना जो कुछ ही दिन में पोछा बनने वाली है, और फुल काम वाली के रूप में आना। हाँ। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में सुपड़ी, और एक झाड़ू मेरे हाथ में देना। क्या संस्कार दिए बेटे को, सन की पागल बना के रख दिया इसे, मेरी इज्जत को गड्ढे में डाल दिया। माँ शादी के लिए ये तो मुझसे ज्यादा उतावले लग रहे हैं। कौन सी किडनी मांगली मैंने उससे? शादी के बाद लड़की ससुराल में होती है, ब्यूटी पार्लर में नहीं जो हमेशा मेकअप करके घूमेगी। सुबह कपड़े सुखाने से होगी, रात बर्तन धोने से होगी, बेचारी मजदूर की तरह बिस्तर पर पड़ी जाएगी। बस वही मजदूर वाली शक्ल देखना चाहता था। आज सोचो मेकअप वाले चेहरे से प्यार हो गया और मेकअप उतारने के बाद उसकी शक्ल रमेश हलवाई जैसी निकली तो किससे प्यार करूंगा? मेरी बात लिख के रख ले, 3 महीने में इसकी शादी कोई नहीं करा सकता। पंडित जी की बात सच होगी, तेरा बेटा कुवारा ही मर जाएगा। ए, मेरा शाप है तुझे, सन्यासी बन के घूमेगा तू। कोई नहीं, स्वर की अप्सराओं को अनटच्ड लड़के अच्छे लगते हैं। इतनी जोर से क्यों ब्रेक मार रहे हो? अपना हाथ दूर रख। एक तो ब्रेक नहीं लगाने आता है, ऊपर से दूर भगाता है। मुंह का गटर बंद कर। करूं क्या, इसी दिन के लिए शादी की थी? कहां हो रही है? अरेंज मैरिज के चक्कर में टकला मिल गया। अरेंज मैरिज निकली चाइना माल। लव मैरिज कुछ हुआ तो नहीं ना पत्नी जी? अभी टकले बना के घर वालों की चुनी लड़की कितना चिरचिर करती रहता है। अचानक पति बोला तो कंफ्यूजन होगा ना। टीवी के ऊपर फल्ली पर एक लड़की की फोटो रखी है, अच्छी लगी तो बता। समझ गई तेरी हाँ है। ये हाँ नहीं था, मेरी चीख निकल गई। आजा मेरे सपनों की रानी और मत तड़पा। जा जा पहली फुर्सत में जा। एक और बलि का बकरा।
मम्मी। भाई आज डिसाइड कर लिया, मैं अरेंज मैरिज के लिए नहीं बनाऊं, मैं एक ढिंचक ब्यूटी क्वीन ढूंढ के उससे घबाघब लव करके थपाचप शादी करूंगा। अरे तेरे को क्या लगता है ये प्यार करना कोई हलवा है क्या? अरे दिन रात बड़ा बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। जिसका बड़ा होता है दिल वो बड़े पापड़ भी बेल लेता है। उफ, सुन, प्यार में पढ़ना मतलब पुलिस की नौकरी के बराबर है। जैसे मुजरिम के पीछे पुलिस वाले 24 घंटा फील्डिंग लगा के खड़े रहते ना, वैसे ही तेरे को खाना पीना और सोना छोड़ के लड़की के पीछे घूमना पड़ेगा और उन लोग को खिलाने पिलाने में शॉपिंग कराने में तेरी जिंदगी एकदम झंड हो जाएगी। सुन लिया? अच्छा होगा माँ बाप की पसंद की लड़की से चिपक जा। अबे चमन, किसी को ना दिखने वाली चड्डी भी मैं अपनी पसंद की पहनता हूँ, तो सबको दिखने वाली बीवी को मैं दिन रात एक करके मॉल की खदान से ढूंढ निकालूंगा। नाक के बाल बड़े हुए। Squeeze me. Yes. I love you. What? Love? अरे रो क्यों रही है? प्रपोज किया, माँ थोड़ी बनाया। चुप हो जाओ, पब्लिक मारेगी। क्यों रास्कल इडियट, थोड़ी देर पहले नहीं आ सकता था? क्यों थोड़ी देर पहले क्या हुआ? उस जंगली ने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दिया। कौन सा जंगली? वो कलुआ वही पान पट्टी की दुकान पे गुटका चबा रहा था। मुझे लगा गुटका हीरो लोग खाते, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। अयो ये क्या, तुम्हारे पास तो मोटर बाइक भी है, उस कलूटी के पास तो साइकिल भी नहीं है। मुँह फोड़ दूंगी तेरा, चल निकल यहाँ से। गई काम से, पता नहीं क्या लिखा है नसीब में। सारे नल्ले मेरे पल्ले। अब नई कबूतरी ढूंढनी पड़ेगी। You mean you love me? तेरा नेम क्या है? शीनू। शीनू? दफा हो जा, इस नाम का तुम्हें कुत्ता बिना। Squeeze me. What? ये मेरे नाम से रिश्ते का क्या कनेक्शन? अगर तेरा नाम पोपट, बंदर या एड़ा होता ना तो चल जाता। ये नामकरण का प्रोसीजर क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एफ नाम का टैटू अपने हैंड पे बना लिया है। मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना, उसका नाम पट्टू था, पर वो मुझे छोड़ के भाग गया। इसीलिए मैं ऐसा बकरा फंसाना चाहती हूँ जिसका नाम हैंड पे सेट हो सके। पोपट पप्पू चलेगा, बद्री मिलेगा तो भी बना लूंगी, और एड़ा हुआ ना तो एकदम परफेक्ट मैच होगा। बस एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब तू ही बता, तू पी बनेगा, बी बनेगा या ई बनेगा? जल्दी डिसाइड कर ले। मैं यहाँ से चलता बनूंगा। अरे नसीब वाला था, बच गया। लड़कियों की कौन सी जमात निकली है यार, क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भाई लड़की लोग फेसबुक पे फोटो देख के अपना पति चुन लेती हैं। अरे आजकल का सबसे लेटेस्ट ट्रेंड यही चल रहा है। ए तोतले बोल यार, ये फेसबुक पे दोस्ती की भीख मांगना, व्हाट्सएप के स्टेटस में गाने रखना, लड़कियों का फोन पे कान खाना, ये सब मेरा स्टाइल नहीं है रे। तो कबूतर से लेटर भेजेगा? अबे मन बुद्धि, इनके मुंह पे कुछ अच्छा एग्जांपल मारना पड़ेगा। हाँ अच्छा ये बता, जो मछली बीच के पास बिकती है और जो मछली मार्केट में बिकती है, उन दोनों में फर्क क्या होता है? अरे बीच का मछली ताजा होता है। अब समझा दू दर्जी। तभी नहीं तुझेगा। खूबसूरत होनी चाहिए पर बदतमीज नहीं होनी चाहिए। मॉडर्न कपड़े पहने पर देखने वालों के लिए नुमाइश की चीज ना बने। फेसबुक यूज करे तो दोस्तों के लिए, ना कि डीपी पे लाइक्स पाने के लिए। सेल्फी में होठों का गुच्छा ना बनाए पर लोगों के गुच्छे में खुल के हंसे और मुस्कुराए। और जब भी उसकी एंट्री हो तो ऐसी हो कि बस धमाका हो जाए। यस हो गया धमाका। अकेली लड़की को देखकर तुम लोग उसे बाप की जागीर समझने लगते हो? हाँ दूसरी बार अगर सुमन के आसपास भी फटका ना तो ऐसा रपाटा मारूंगी कि हर लड़की तुझे माँ बहन लगने लगेगी। अबे तो खुद को समझता क्या बे? खुद हो दिया। क्या है? टी-शर्ट सेम है, लड़का डिफरेंट है, जरा वहाँ देखना। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। सॉरी, बुरा मत मानना। चल ना मनीषा, चल 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 मनीषा चल। वो लड़की तेरे को थप्पड़ मार के चलेगी और तू मुंह फाड़ के दांत दिखा रहा है। ये वही है दर्जी जिसे देखकर दिल में हो रहा है जुमा का जू। क्या बोला? जुमा का तेरे प्यार का टिकट कंफर्म हो गया? 100% कंफर्म, सीट बुक्ड। अब ये हाथ गाड़ी वाला माल गाड़ी चलाएगा। चुक 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 चुक। सॉरी बच गई सीटी। तानी तुली हो गई, बावला हो गया रे ये तो।
मारने से पहले पूछना चाहिए था ना। कौन ही मारा? ये अरे अरे किधर पड़ गया? मुझे लगा कि वही लड़का है। अभी तो यहीं पे थी, एक मिनट में कहाँ गायब हो गई? कोई तो उसका पता बता दो, बस एक बार उससे मिलवा दो। थैंक्स मैडम। ब्रदर, बहना, अपनी बीवी बच्चे को लेकर यहाँ से दफा हो जा भिखारी। हम तुम्हारे पति से पूछ कर यहाँ रह रहे थे। अरे उससे क्या, मुझसे बात करो। शांत हो जाओ, रात नहीं पड़े। हो जाओ, बात नहीं हो जाओ। कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। लायक नहीं है, भिखारी है दोनों। यहाँ आके मुझसे खाना खा ले। यहाँ से। अगर मैं गया तो मेरा दोस्त भी साथ जाएगा। अरे ये लड़का नहीं लड़की है, तू चल। पर मैं तो इतने दिन से इसे लड़का समझ रहा था। कल में पर्दा पड़ा था, चल निकल। चल बेटा, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चीचा जी, आई टॉक तो रुक। हाँ ठीक है। इसकी पति ने मेरी इज्जत की बाट लगा दी थी और ये कमीना वहाँ बुत बनकर खड़ा हुआ था। अब किस हक से मेरी चौखट पर आया है? इससे तुम्हें लाउडस्पीकर की तरह क्यों टॉकिंग सुन लेगा वो? अरे सुनने दो ना, मैं कैसे। जीजा जी, भगवान ने हम सभी इंसानों को भूलने की शक्ति दी है, पता है क्यों? ताकि हम अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं और बाकी की जिंदगी राजी खुशी से जी सकें। पर आपने तो उन सब बातों को अपने दिल और दिमाग की तिजोरी में लॉक करके रखा है। समझाने का कोई फायदा नहीं, मैं जा रहा हूँ। ब्रदर, इनकी बात मत सुनो, प्लीज स्टॉप ना। मजाक कर रहा था, मैं नहा के आता हूँ। गरम इडली और चटनी बना के रखना। सत्यानाश हो इसका। मामा श्री पांजे। ये गटर के पास वाले पीपल की पेड़ की तरह तुम्हारा मुंह क्यों पड़ गया? अरे इतने दिनों बाद जो तुम्हें देखा है। अब ये गधे जैसी शक्ल ठीक कर दो, सीधे हो जाओ। क्यों भांजे, आते ही बेइज्जती। ये थोपड़े पे कैरम के कॉइन की तरह क्या है? कॉइन नहीं, चंदन है। ओ, चंदन है। पानी हॉट कर दिया, जल्दी खाने पे कम। जल्दी लगाओ। ठीक है मामा श्री, आप खाओ पियो, मैं जरा जाकर आता हूं। एक मिनट। भांजे, मामा को प्यास लगी है। टेरेस पर पानी की टंकी है, धकेल दूं उसमें? मेरे लिए वो लाना ना नारंगी। टेंशन मत लो, ला दूंगा। ठीक है, पूरे एक किलो संतरा लाऊंगा। अब भांजे, संतरा नहीं नारंग। लगता है शहर में लोग नारंगी नहीं पीते, तो फिर क्या पीते होंगे। ये तो वही लड़का है जिसने मॉल में थप्पड़ खाया था। शीनू, तू कितना अच्छा है यार। सारे फोकटिये खाली बैठे थे लेकिन सिर्फ तू मुझे चुनकर लाया। तू कितना महान है यार, झुक नहीं पाऊंगा नहीं तो पैर छूता। अबे चुप, तू सामने खड़ा रहता है तो धूप नहीं आती, उससे मेरी त्वचा काली नहीं होती और तुझे फर्क नहीं पड़ता। कमीने, तू मुझे छाता बनाकर लाया? सुमन, मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, जल्दी जा, बाहर तेरा मजनू वेट कर रहा है। कौन? बाहर जा, पता चल जाएगा। कौन है रे? मुर्गा लगता है। ए, 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 प्यार का कीड़ा काट रहा है। प्यार का कीड़ा सबको दिखने भी लगा। चलो प्यार के कीड़े के आज्ञा का पालन करता हूँ। 8 महीने से हम दोनों का लफड़ा चल रहा है और शादी का प्लान अमेरिका में बनाया है। तुम दोनों शादी कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है यार, अमेरिका में ये सब अलाउड भी है। अरे इसकी नहीं, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। आराम से बेटा, तेरा जबड़ा गिर जाएगा। ए, पंच मार इसको। ओ घूंघट वाले, पंच तो मैं मारूंगा। वैसे इसके नीचे भेजा भेजा या खाली खोपड़ी छुपा रहा है? उन्हें वहीं पर पटक के धूल चटाना चाहिए था। अबे दर्जी, मैं क्या बाहुबली की औलाद हूँ जो अकेले दो दो को मार के आऊंगा? और उनके अलावा और भी लौंडे हैं जो उस लड़की के पीछे पड़े हैं। अरे अरे अरे, उसके पीछे और भी लड़के हैं क्या? खूबसूरत लड़की के पीछे 3-4 लोग हो तो समझ में आता है, पर उसके पीछे तो पूरा मोहल्ला लगा है। हेलो, स्क्वीज मी, पहचाना मैं थप्पड़ वाला? मेरा पीछा करना बंद करो। तो मीना बोलूं या टीना? इरिटेट मत करो स्टूपिड। तो नाम स्टूपिड है, कुछ अजीब सा नहीं है? बुआ ने रखा था क्या? अरे बता भी दो। हे, क्यों मेहनत करवा रही हो? कहीं ना कहीं से तो पता लगा ही लूंगा, खुद ही बता दो क्या नाम है। बेटा बाइक चलानी नहीं आती तो पैदल चला करना। अरे थप्पड़ वाली, नाम तो बता दे। ए, उसका नाम मनीषा है। थैंक्स यार, तू उसके घर का डस्टबिन उठाता है? ए, ये उससे इलू इलू करता है। अच्छा, मुझे तो ये ढीलू ढीलू लग रहा है, पैंट संभाली नहीं जाती, उसको क्या संभालेगा? मुझे सिखाएगा तू? बैठ उधर, बैठ जा। चुपचाप बैठ रे। बैठा तो ऐसे रहो जैसे बहुत अच्छी कुर्सी रखी हुई है यहाँ पे। तोड़ डालूंगा तुझे। बेटा तेरा चश्मा गिर गया। क्या? मेरा चश्मा गिर गया? आप उनके एरिया में आकर आप उनके आइटम पे नजर डालता है? पूरे 6 महीने 6 महीने से चिकना बन के पीछे पड़ा। 6 महीने में इतना ही चिकना बना? बहुत स्लो है तेरा प्रोसेस। तेरी तो
ज्यादा मत बोल तू, जैसा भी हूँ ना मैं उसी का हूँ, सीधा ऊपर भेज दूंगा, दोबारा इस गली में दिखना मत। लड़की एक कबूतर दो बहुत नाइंतापी है। अबे चमन, सिर्फ दो नहीं तीसरा भी था। तीसरा भी था? तीसरा बोल के मुँह पे 30 थूक की बूंद फेंक दी पिछड़ में। तूने बोला तो एक और घोचू था, वो कैसा था? बिल्कुल तेरे जैसा था। मेरे जैसा मतलब फुल टेरर वाला? हैं, एकदम नल्ला। छी, कितना गंदा, इसकी तो शक्ल देखी उल्टी आ रही है। चल जल्दी। चल 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 चल। मेरी बात सुनो, रुको। परीक्षा, रुक जाओ, पछताओगी, सुनो। ए झिंगूर, तू किससे बात कर रहा है? खुद से बात कर रहा हूँ, तेरे को प्रॉब्लम? मेरी मनीषा का नाम लेके उसको गंदा क्यों कर रहा है? मनीषा को जानता है? हाँ। वो मेरा प्यार है। खटारे की तरह झटके क्यों मार रहा है? नहीं बताना चाहिए था। नहीं, तेरे हंसने से पहले तो बता। अरे मुझे नहीं रहे उसको। हाँ। अभी उसके लव लाइफ में अपन फर्स्ट मुर्गा है, उस मुर्गी को रोज दाना चुकाता है। तू रोज यहाँ खड़ा रहता है उसे हंसाने के लिए? उसे हंसना नहीं खिल्ली उड़ाना कहते हैं। वैसे ये सर पे चेस बोर्ड जुओं के खेलने के लिए बनाया तूने, या जूते चप्पल खाकर टाइल्स उखड़ के? बचा रहा था, बाल कटाने के लिए ना सलून गया था, लेकिन पैसे कम पड़ गए। ओ छिली हुई मुर्गी, अपनी बाइक तो लेकर जाए यहाँ से। जब हेलमेट से लड़की पटे तो बाइक की क्या जरूरत है? दीवार गंदी करते हुए तुझे कोई देख ना ले, इसलिए हेलमेट पहनता क्या? निकल यहाँ से। भाई कंपटीशन जबरदस्त है, जीतना मुश्किल है। लग तो मुश्किल ही रहा है। अबे शर्म है कि नहीं? शर्म से ज्यादा मुझे अपने टाइम की पड़ी है जो इस पे वेस्ट नहीं करना चाहता। अरे तीन लोगों से डर के भाग क्या? तेरे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। 4 साल पहले मेरे को 30-40 लोग ऐसा गोल गोल घेर के खड़े थे, इतना मारा कि सबका बच गया 12। मैं जो हुक डाल के खींचा ना। किसका हुक? ब्लाउज का? हे, फिर से कोई टेंशन हो गई है क्या? महारानी सुबह से 1 इंच भी नहीं हिली। तो और क्या करेगी बेचारी, पहले से ही 3 लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, अब वो मॉल वाला भी लाइन में आ गया है, अब इसे लगता है योगा से ही होगा। इजी है, उन 4 चिरकुट में से किसी एक को चुन लो। हे, उन सब कमीनों को ठिकाने लगाना ही होगा। अरे जानू मान जाओ ना, बस एक बार हाँ कह दो फिर सीधा अमेरिका ले जाओ। लव करेगा? लव करेगा? तेरे बाप ने कभी लव किया क्या? कौन है वो तेरी? भाई बहन? हाँ तो चल निकल, चले खज में चल। ए, रुक रुक रुक, तेरी लव करेगा? नहीं भाई, नहीं भाई, मैं क्या, मेरी परछाई भी उससे लव नहीं करेगी। क्या बात है मेरे रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड लेकर आया? देखना आज तो मैं आग लगा दूंगा। प्यार की आग बहुत जली हुई है, जा जाके बुझा ले। आ गया से नहीं तो तेरा टकला जला दूंगा। निकल चल। मुझे लगता है आज तो हम लोग लेट ही होने वाले हैं। 42 इंच टीवी सुनना। तो क्या कर सकते हैं? सहेली से बात करवा दो, साल भर का रिचार्ज करवा दूंगा। दोबारा 42 इंच टीवी कहा ना तो बहुत बुरा होगा। क्या हो गया? फोन करके देखो। रुक 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 रुक, चलो सब संभाल के बैठो। ए ड्राइवर, संभाल के चलाना, झटके नहीं लगना चाहिए मैडम को। हेड, आपने कब से पीछा कर रहा है उस लड़की का? 1 हफ्ते से। क्यों? वो आइटम भी तेरे लव में है क्या? अबे तो उन लोगों को क्यों उसके पीछे ना पड़े? नहीं पड़ेंगे ना। अरे पगले, अगले 100 जन्म तक नहीं। लगता है तूने जम के पिटाई की है उनकी। अरे तू कह रहा था ना एक और चिरकुटे का है वो? उसका तो कब से पैकअप कर दिया, प्यार का बुखार उतर गया होगा। अब जल्दी से शादी फिक्स करो और दावत पे बुला। दावत तो खिलाऊंगा, पहले तू चाय पिला। तुम तो वॉशिंग मशीन से भी अच्छा कपड़ा धोते हो। जब से तुम्हारी भाभी से शादी हुई है ना, कपड़े धोने की आदत पड़ गई है मुझे, धोबी का गधा बन के रह गया हूँ। अपना तो बेड लक ही खराब है। अच्छा बहना, अपने सीनों के लिए कोई रिश्ता ढूंढा क्या? नहीं अभी तक कहाँ ब्रदर, मुझे तो लगता है ऊपर वाले की फैक्ट्री में अच्छी लड़कियों का मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गया है। अरे बहना, इस दुनिया में किसी प्रॉब्लम नहीं है, इंसान के पैदा होने से लेकर ऊपर जाने तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। आखिरी प्रॉब्लम। Who's call? तुम्हारी भाभी का। हेलो। हाँ बोल बेटा। भगवान बोल रही हूँ। डालियों का नाश्ता तैयार हो गया। उनका मक्तों से कागज पर साइन करवाया या नहीं? अभी तो नहीं हुआ पर जल्दी ही कर लूंगा। बस काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तुम्हारे लिए ना एक कुत्ता खरीदा है, बहुत काटता है। खाली हाथ आए तो गए। शुभ शुभ बोलो भगवान। शुभ शुभ का मुझे जान नहीं डालना है समझे? सुन लो, कबर खोद के रखा है, साइन के बिना आए ना तो अभी के अभी उसी में गाड़ दूंगी या फिर मरने के बाद। अच्छा हुआ बैलेंस खत्म हो गया, नहीं तो फोन पे ही मर्डर कर देती। क्या हुआ, क्यों एंग्री हो रही थी? अरे वो तो हमेशा ही चिल्लाती रहती है,
दरअसल बात यह है, मैंने कुछ लोन लिया था, वो हमारी खानदानी जमीन है ना। अगर तुम पेपर साइन कर दो तो मैं उसे बेचकर लोन चुका दूंगा। व्हाट ब्रदर, यहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम में ट्रैप हूँ और तुम मुझे नई प्रॉब्लम में एंट्री दिला रहे हो। भाई हो या कसाई हो, कर दे बहना, नहीं तो बेघर हो जाऊंगा। इनफ, नाउ शट योर माउथ। एक बार शिनू का मैरिज हो जाए उसके बाद मैं खुद साइन करके वो जमीन तुम्हारे नाम पर कर दूंगी। गॉट इट ना? मेरी बहन, मेरी बीवी से 100 गुना बड़ा दिल है तुम्हारा। थैंक यू ब्रदर, नाउ कम। चीयर्स। मेरे रास्ते में आने वाले सारे कांटों को आज निकाल फेंका। रवि नहीं होता तो तेरी घाट खड़ी हो जाती। जिसके पैसे की पीते ना उससे सवाल नहीं करते। और कभी कभार जोश से नहीं होश से काम लेने में बहुत फायदा होता है। पबजी खेलने का भी टाइम मिल जाता है। अब बस कुछ ही दिन में मनीषा मेरी हो जाएगी। क्या बोला, तेरी हो जाएगी? ज्यादा उलमत, धरती पे आ जा। अबे मंद बुद्धि, प्यार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला गेम है। पहले दबाया तो प्यार मिलेगा, नहीं तो कोई और दबोच लेगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए कल मैं ही दबोच मतलब प्रपोज कर दूंगा। वो क्या बोलता है, जुमा का जू। जुमा का जू। अरे तू तो अपनी आइटम को जाकर गिफ्ट देने वाला था ना, ऑटो में क्यों डूब गया? अबे छुप नहीं रहा हूँ, तोतले सोच रहा हूँ कि किस स्टाइल में गिफ्ट दूँ। ये मोटे को गिफ्ट में पैक करके दे दे। अबे इसके हाथ से तो भिखारी भीख लेने से मना कर देता है, वो क्या लेगी? डर जाएगी बेचारी। आधार कार्ड के फोटो में तो फिट नहीं होता, प्लान में फिट होगा। वैसे मैंने तुम लोगों को बुलाया तो था नहीं, फिर भी यहाँ मेरे पीछे आ गए। तुम लोगों को काम धंधा नहीं है क्या? भाई प्यार की पुंगी दोस्तों के बिना नहीं बच सकती, दोस्त होते हैं इसलिए। तुम जैसे दोस्त किस लिए होते हैं, इस पे तो साइंटिस्ट भी खोज कर रहे हैं। देख भाभी आ गई। जल्दी से आ जाओ। I'll call you back. क्या बात है? कुछ मत कहो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कुछ मत कहो। क्या? एक भी लफ्ज नहीं सुनना मुझे। क्यों? मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। क्या कहा तुमने? क्या प्यार? गलती से कभी प्यार हो गया तब खुल के बात करेंगे। अरे तुम ये गिफ्ट पकड़ो, पता नहीं कब प्यार हो जाए, बाद में गिफ्ट देना पड़ेगा, इसलिए एडवांस में दे रहा हूं। अरे क्यों भाव खा रही है, हाँ क्यों नहीं कर देती? मुझसे पूछे तो अभी हाँ कर। तू चुप कर बुढ़ी। बिना वजह मत चिल्लाओ, मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं हूँ। मैसेज भी मत करना, आई लव यू तो बोलना ही मत। नहीं करना है मुझे प्यार, जबरदस्ती है क्या? नहीं है मुझे प्यार। अरे ओ लड़की, वो जा रहा है जल्दी उसे मना ले, हाथ से निकल गया तो कवारी रह जाएगी। तू मुझे क्यों सुना रही है? भाग यहाँ से, मेरी बात नहीं सुन रही। सुनी ना, वो क्या देख रही है? चल भाग। तुझे नहीं लगता इसकी अकल घुटने में है? नहीं तो क्या, जिंदगी में एक बार अच्छा लड़का मिलता है, बाकी टाइम तो गधे ही मिलते हैं। कमीना कहीं का, कहता है कि मुझसे प्यार नहीं करता। अरे मेरा दिमाग खराब है कि मैं उस जैसे घोंचू के पास जाऊंगी? मार खा के गाली सुन के भी तेरा पीछा नहीं छोड़ा, लगता है तुझे फंसा के ही मानेगा। मुझे फंसाएगा वो? शायद वो जानता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ, ऐसी बैंड बजाऊंगी ना। तू क्या करने वाली है? कल तो अपने बॉयफ्रेंड को तो बुला। पूरी टीम के साथ आ रही है। गाली हेलो, भी तेरा पीछा कहाँ मर गए? हम लोग कब के आ गए? बोला था ना टाइम पे आने के लिए। ओके ओके बाय, 5 मिनट में। ये क्या है मनीषा, ये कोई टाइम आने का? कितनी देर कर दी तुम्हारी वजह से, 4 काम छूट गए मेरे। लव अफेयर में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का लेक्चर हमको मत दे, चल फुट। ये है 26 साल की मुकेशनी, ये बेचारी मेकअप की लत की शिकार है, बनावटी चेहरा बना बना के असलियत देखने की परख खो चुकी है, इसे अवॉइड करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूँ। हाय मनीषा। गौतम, हाय स्वीटहार्ट। कैसी हो तुम? हाय गर्ल्स। हाय हाय। एनी प्रॉब्लम? कौन है ये चिंदी चोर, इतनी धूप में भाड़े की जैकेट पहनकर घूम रहा है? तुम्हारा चचेरा भाई है क्या? ए, इससे मिलो, ये है गौतम, मेरा बॉयफ्रेंड। सुन, हम दोनों 2 साल से डेट कर रहे हैं। हाँ। और अगले साल शादी है हमारी। अच्छा वैसे तुम्हारा कोई नाम तो होगा? शीनू। तो शीनू एक काम करो, एक बड़ा सा बोर्ड बनाओ और उसे अपने सिर पे रखो और उसमें ये लिखो, गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। कोई ना कोई तो तुम्हारे ऊपर तरस खा ही लेगा। चले यहां से, आशिकी का भूत सवार है। अब बन जाएगा ये देवदास। इट्स ओके, तुम भी ना मनीषा। थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी नादान हो तुम। जैसी भी हो, मेरी जान हो तुम। कितने भी ऐसे पहलवान आ जाए, हो जाएंगे गुम। दोस्ती करके तो देखो, कभी ना छोड़ेंगे हम। हजारों महफिल हैं, हजारों मेले हैं, फिर भी तुम्हारे बिना देखो कितने अकेले हैं। बस क्या मनीषा, जैसे लोग बर्तन खंगालते हैं ना, वैसे ही मैं तुम्हारी जानकारी खंगाल चुका हूँ।
फ्रेंड की फ्रेंड को बॉयफ्रेंड बता रही हो। अब अपनी ही दिनचर्या सुनो। सुबह 8 बजे उठ के एक्सरसाइज करती हो, हालांकि सेहत घूरने वालों की बिगड़ती है। खाने में तुम्हें पनीर पसंद है, नाश्ते में कांदा पोहा। शांत रहने के लिए योगा करती हो, जबकि औरों का बीपी बढ़ाती हो। फैशन डिजाइनर बनने का सपना है। 3 बैंक में अकाउंट है, पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। आज तक 8 लड़कों ने प्रपोज किया है, किसी को भाव नहीं दिया, इंक्लूडिंग मुझे। तुम्हारा लकी नंबर 18 है, सैंडल नंबर 8 है, फोन नंबर है 9898963636। ब्रिलियंट, जीके बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट नंबर 74749 है। लग गया तीर निशाने पे। फोन नंबर नहीं था ना, इसलिए गलत बोला। अब मिल गया, अब फोन का लंबा बिल आएगा। तुझे तो छोड़, तू क्या कर रही है? मर जाएगा बेचारा, मुंह तोड़ ना, चल ना अपने हाथ गंदे मत कर, चल यहां से। प्यार का प्रेशर कुकर सीटी देने वाला है, 3 सीटी में बंद कर देना वरना प्यार जल जाएगा। मुंह पे तेली बेइज्जती करके चली गई। चमन, वो मुझे देखने के लिए पलटी? नहीं पलटी। अब पलटी? अब तो ऑल तेजी से जा रही है। फिर तो कंफर्म हो गया प्यार करती है। ए, ये तेले दिल की गलत फहमी है। क्या करे, आशिकों की जाति ऐसी होती है। प्यार में जूते चप्पल क्यों ना मिले, बेशर्मी की हद पार करता ही है। बेबी जरा खास कुंडी। मनीषा, एक लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो तुम्हारे लिए लड़ू क्यों? मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? अगर ये प्यार करती तो तुम उन्हें धो देते। चुम्मी मिल जाए तो भी सोचता। बोलना जरूरी है क्या? मनीषा, तुम्हें सिस्टम नहीं मालूम है क्या? पहले प्यार होता है, फिर गाने गाते हैं, उसके बाद फाइटिंग करते हैं। पहले डुशुं 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 कर लूंगा तो ताकत कहां बचेगी? ये फट्टू है यार, मच्छर भी नहीं मार सकता। एक्सक्यूज मी, क्या अभी अभी किसी ने फट्टू कहा? आ गया तुम्हारा फट्टू लवर। अरे तुम भी ना, इस झिंगुर के लिए मुझ जैसा हैंडसम हीरो खो दिया। मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे लगा से खरीदा, चोर मार्केट से डिस्काउंट पे। तो मैं कहाँ था? भूल भुलैया, पट्टा पहना तो भौंक भी और जाके कार्ड भेजा। आज पतलून गीली करके ही रहूंगा, पकड़ना। समझ गए, लड़के सामने शौचालय में करना। ए, मेरी नहीं उनके। कहाँ जा रहे हैं? तू बस देखता रहे मच्छरों को कैसे मसलता हूँ। पार्क में आई लड़कियों को छेड़कर तुम खुद को मर्द समझते हो क्या? अगर तुम में से किसी ने भी अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे छेड़ के दिखाओ। है दम जाओ पंच मारा भाई। अब अपन के पंच की बारी, बजा रे घंटी। मजा आया? तेरी बस रे भाई, पुंगी बज गई इसकी। मार मार के बंदर बना दिया उसे। जिसे मारने के लिए सब सेट किया वो खड़ा हंस रहा है और बेचारा वो पिट रहा है। क्या मुझे मारने के लिए? मेरी इतनी फिक्र है तुम्हें? ओ, मतलब बकरा मैं था और बलि उसकी चढ़ गई। ए, मुंह बंद कर। जानता है वो लड़का तुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। ए, चल। चल। इस लड़की के टेस्ट को हो क्या गया है? कहती है कि वो मुझसे अच्छा। छी, साले ने प्रॉपर्टी के लिए किया जीजा का खून। प्रॉपर्टी नहीं मिलने की वजह से भड़के साले ने अपने जीजा को मौत के घाट उतारा। जमीन के टुकड़े के लिए मर्डर? घोर कलयुग है। कौन है? अरे जीजा जी, आइए आइए, आप ही का घर है, शर्माइए मत। भवानी। हाँ, वेट कमिंग। अरे जल्दी आओ ना। हाँ, ये लो। व्हाट इज दिस? खुद देखो, कितने सवाल करती हो। कैसी लगी लड़की? तो ब्यूटीफुल है। रिटायर्ड फौजी की बेटी है, ऊंचा खानदान है, हमारे स्टेटस के लोग हैं। शीनू तो देख के मैड हो जाएगा। बस फौजी को वो निठल्ला पसंद आ जाए। Why? शीनू में क्या कमी है? अरे उसका गटर जैसा मुंह। उस लड़की से कहेगा कि काम वाली बाई के भेस में फटे हुए गाउन में आओ, तो कहीं फौजी गोली न मार दे। घर जाने की जरूरत क्या है? दिमाग खराब है तेरा पागल। जीजा जी, जाने से पहले ये फोटो हम सीनू को दे देंगे। 1 घंटा घूरने के बाद कोई ना कोई कमी निकाल लेगा और इस फोटो को फेंक देगा। मेरी बात मानिए, सीनू को फोटो दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे लड़की दिखाते हैं। जैसे एक दूसरे को देखेंगे, फटाक से एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। जीजा जी, आप बस एक लोकेशन फिक्स कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है ना बेना? हे प्रभु, मेरे भांजे की नैया पार लगा दो, उसका रिश्ता तय करवा दो। क्या वो मामा जी हैंडपंप की तरह ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो? पाप का बोझा कम कर रहा हूँ। तो मंदिर में जाके करो, यहाँ कुछ और हल्का हो जाएगा। पानी नहीं, केले के पत्ते से पोछना पड़ेगा। अरे रिचार्ज करा लिया? तेरी माँ है। हेलो ब्रदर। सिस्टर। शीनू तुम्हारे साथ है ना? अरे मेरे पास ही खड़ा है। अच्छा, बहुरानी आ गई क्या? कहाँ ब्रदर, बहुरानी अभी तक नॉट कमिंग, पर उसके पेरेंट्स आ गए हैं। अच्छा, वो टेंपल में लैम्प चलाने गई है, तुम शीनू को क्विक लेकर आओ। ठीक है। दाल छानी नहीं थी क्या? मुझे उसमें कुछ काला लग रहा है। अरे दाल उड़द की हो या मूंग की हो, काला पीला तो होता ही है। तुम कोई खिचड़ी पका रहे हो? चलो तो सही, खिचड़ी ठंडी हो जाएगी।
पहली बार हम दोनों भी इसी मंदिर में मिले थे, बस देखते हैं क्या हो गया, उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। बहना, यही है मेरा बेटा। हेलो माय डियर बॉय, मामा की टाइम। हेलो, आई एम मेजर चंद्रकांत। गन्ने का जूस पीने के लिए इसके हाथ में गन्ना दे दो, तबा के जूस निकाल देगा। बाय द वे, शी इज माय वाइफ। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा अच्छा, सिट सिट। मेरी तरह काफी हैंडसम है ना? जी। कौन है ये लोग? लड़की देखने आए फॉर यू। ये क्या बोल रही है मां? उसे छोड़, वो हाथ देख। ये क्या दिखा दिया मामा? अब तो लव ट्रायंगल हो गया, वो भी एक तरफा। अच्छी है ना लड़की? क्यों चक्षु नयन खुले रह गए? कहाँ रह गई थी इतनी देर कर दी? भी कोशिश कर ले, इस गधे के लिए इससे सुंदर लड़की नहीं मिलेगी। खुशी इसकी आंखों में दिखाई दे रही है। What my dear boy, feeling shy? कोमल कैसा लगा लड़का? हार्ट बीट तो नहीं रुकी ना? मेरी तो नहीं रुकी, पर तुम्हारी बहुत जल्दी रुकेगी। जो जाल तुम मेरे लिए बिछा रहे हो ना मामा, देखना एक दिन वही तुम्हारे गले का फंदा बनेगा। मा, मा, अरे मा, गोविंदा, सुनो, गोविंदा, 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 सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। मामा, मामा सुनो, किसको लूं किसको नहीं लूं? गोविंदा, गोविंदा। मां मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि लड़की देखने जा रहे हैं? आप क्यों चिल्ला रही है? मुझे पक्का पता है ही लाइक्स टेंपल वाली गर्ल, पर ड्रामा देखो अमिताभ बच्चन भी फेल। मां मुझे लड़की पसंद नहीं आई, उन्हें मना कर दो। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? शुक्र मना के उस लड़की ने तुझे मना नहीं कर दिया। कितना बड़ा घर है उनका। इतना ही बड़ा है तो इनको बोलो वहाँ जाके क्रिकेट खेलने। बकवास बंद कर। वेट ना जी, उस गर्ल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें 3 महीने में मेरी शादी करवानी है ना, वो हो जाएगी, पर इस लड़की से नहीं करूंगा। ए, ए, चांद छुप गया बादल में, तू है मेरे आंगन में, आओ चंद्र भाई, जाओ जाओ हमें ना सताओ, शैतान को याद किया और सीनो आओ। क्या हो रहा है दर्जी, कैची में उंगली आ गई थी क्या? जो बीवी के हाथ से खाना खा रहा है वो भी सबके सामने? ओके, बाद मेरे सामने बड़ा बड़ा बात करता था और लड़की को अकेले मिल के आ गया और हाँ बोल दिया उसको। चू, अबे जाना, मुझे भी कहाँ पता था कि लड़की दिखाने वाले। अच्छा शीनू, लड़की कैसी थी? दिखने में तो टेस्टी थी। ओ, मतलब दोस्त का बात पे कैची चलाएगा और घर वाले का बात पे टाका लगाएगा, सही बोल रहा है ना मैं? ओए, मैं पेटीकोट नहीं हूँ जो बातों का नारा डाल रहा है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि लड़की अच्छी दिखती थी। वैसे भी सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो मुझे हो चुका है मनीषा से। ओ, मतलब दोस्ती से प्यार भारी हो गया है। लड़की मिलते दोस्त को भूलना तो प्रथा है, लड़की मिली दोस्त की खली बल्ली। तो बोलना कि लव मैरिज करने में सबसे ज्यादा फायदा है, अब से तेरी लाइफ में भी जुमा का जू है। ले पी। अबे पटियाला लोटा पैक बना दिया, दहेज का माल है, पी ले। दहेज का माल खत्म होने तक ये साथ रहेगी, फिर टाटा बाय बाय। तू चालू रख। ठीक है, मिलते हैं। ए, जल्दी से हैंड लेग वॉश करके आ जा, डोसा रेडी है। झूठ बोलने वालों के हाथ से खाना खाऊंगा तो पाप लगेगा। खाने पर ऐसे एंगर निकाल के क्या मिलेगा तुझे? बदला। ए सुन, डोंट इंसल्ट अन, चल आके चुपचाप खा ले सन। जाने दे उसे, मैं खा लूंगा सब। ब्रदर, तुम ही कुछ मैजिक करके उस लड़की के लिए यस करवा लो ना। अरे वो सब छोड़, पहले डोसा देना। ले। ठूस ले। की तरह गुस्सा होती है तो और क्या करूं, इतना हार्ड वर्क करके इतनी ब्यूटीफुल बहू मिली और शीनू उसको जरा भी घास नहीं डाल रहा है। बहना, आजकल के लड़के बिल्कुल रेगिस्तान की तरह होते हैं, जहां अपने आप प्यार का फूल नहीं खिलता बल्कि प्यार का फूल खिलाना पड़ता है। परियों के मेले में भी उसे कांटे दिखते हैं, आप तो बस एक काम करो, अगर वो कांटे भी देखे ना तो भी उसे उनमें परिया ही नजर आए। परिया ही दिखेंगी सर, एक बार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए फिर सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना? 100% सर, यहाँ जो रोते हुए आता है हंसते हुए जाता है, गारंटी के साथ। पहले डर भा दीजिए। पैसे निकालिए सर, आप बैठिए, मैं देखती हूँ डॉक्टर फ्री हुए या नहीं। कितना लेट हो रहा है ये तुम्हारा? अबे चमनलाल, यहाँ कैसे? शादी होने वाली है ना, इसीलिए जोश का डोज लेने आया हूँ। अच्छा तो आप खटमलाल हैं? पकड़े क्या वो मच्छरलाल है? हिंगूर तो तैयार। नमस्ते। नमस्ते भांजे। आओ मामा श्री। तुम कहाँ हो? वहीं जहाँ तुमने बुलाया। अंदर आ जा। तुम बाहर आओ। डायरेक्ट एंट्री मार। ओके। ये
इतने सारे औचड़े में चमन, शहर के जंगल काटने की क्या जरूरत है, यहीं पर मेट्रो का शेड बना दो। यहाँ पे कर क्या रहे हो? डॉक्टर बोला बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। गुप्त रोग हो गया क्या? शुगर बढ़ गई है भांजी। बैठो बैठो, आपका पहला नंबर है। लास्ट आके पहले। चलो भांजी। यार तुम्हारे टेस्ट में मेरा क्या काम है? अरे ये शुगर का डॉक्टर नहीं, फिगर का डॉक्टर यहाँ क्यों लाया मुझे? शुगर फिगर छोड़, चल बैठ। कौन से शॉप? दोनों सिट डाउन। नमस्ते। नमस्ते अंकल। बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। सही जगह आए हैं। दरअसल कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। बाहर से एकदम टिप टॉप है, लेकिन अंदर अंदर में कुछ झोल है। पता नहीं वायरिंग में या फिर इंजन में प्रॉब्लम है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं, इस रोग का इलाज मैंने अपने बगान में तैयार किया है ऑर्गेनिकली। अगर तलवे की जगह गलती से टायर के नीचे लगा दिया तो वो भी धका धक रॉकेट की तरह उड़ने लगता है। एक्सीडेंट हुआ तो टकला फूट के मूंगफली बाहर आ जाएगी। कोई बात नहीं, मूंगफली का भी इलाज है। और गाजर का हलवा? करेक्ट कहा तुमने, गाजर का हलवा। ऐसी हालत में हम गजगामनी गाजर का हलवा देते हैं। 3 दिन लगातार खाने के बाद मरियल घोड़ा भी 2 दिन भागता है। आपके पास सर्टिफिकेट? हाँ है ना, क्यों लाइए ना, फाड़ के फेंकने का मन कर रहा। इतना मसल मत, मसला खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, शांत रहे डॉक्टर। लड़की को देखने पर भी मन में घंटी नहीं बजती। अंकल आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी उम्र में अक्सर ऐसा ही होता है। मगर ये प्रॉब्लम अगर यंगस्टर्स में हो तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, जंगली जलेबी का काला काला काढ़ा। काढ़े को सुखा के हमने पाउडर बना लिया है। एक बार इसका कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद शादी का कोर्स चालू। नेकी और पूछ पूछ, अंधा क्या मांगे चार आंखें, जल्दी से काढ़ा इसके मुंह में ठूस दो। नेकी यहाँ रखी है, मैं पूछ पूछ के मुंह में डाल देता हूँ। पाउडर मैं क्यों खाऊं? प्रॉब्लम तुम्हें ना? मुझे क्या प्रॉब्लम है, इतने दिनों से इतनी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हो। मामा हो, कोई दुश्मन नहीं हो। अबे टकले मामा, बाल तो निकल गए, खाल भी निकाल दूंगा। पर आई नारी ना लगे तुझे प्यारी। थर की कभी नारी की इज्जत भी कर लिया कर। क्या हुआ, रिश्वत खोर हवलदार की तरह रास्ता क्यों रोक रहे हो? इलाज के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सबसे जरूरी ठुकाई है, बस उसका इंतजाम कर लो। कैसे करते हैं वो? ऐसे करते हैं ठुकाई। अरे लिहाज तो करो। रुक जा मेरे का दादाधारी। आज मामा हाथ छोड़ो, नहीं तो मेरा हाथ छूटेगा। थोड़ा सा पीलेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? समझा करो, बात कुछ और है। अच्छा तो फिर तू समझा। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। किसी और लड़की से प्यार है? अरे वाह, तो घर चल के माँ के सामने क्यों नहीं बोलता? उसके लिए लड़की माननी तो चाहिए ना। छोड़ो मेरा हाथ। लड़की में प्यार जगाना पड़ेगा, अगर शादी नहीं होगी तो पेपर पर साइन नहीं होंगे। उमेश बेटा जट की स्पीड से तरकीब निकाल। कोमल कब से फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही है? दिन भर फेसबुक पे लगी रहती है। आ रही हूँ बाबा। व्हाट दिस नया ड्रामा? हेलो मिस्टर चंद्रकांत है क्या? पापा तो नहा रहे हैं, आप कौन? दोपहर को नहा रहा है। हेलो अपना नाम बताएंगे जरा? मैं शीनू का मामा बोल रहा हूँ। एक सेकेंड अंकल, अभी पापा का। व्हाट शी टॉकिंग? चंद्रकांत स्पीकिंग। मैं शीनू का मामा बोल रहा हूँ सर। बोलिए मामा जी। हमारा बेटा शादी का लड्डू खाने के लिए तैयार है, तो हम चट मांगनी पट ब्याह कर देते हैं, क्या ख्याल है? That sounds good. My pressure. एक मिनट, लड़के के पापा आ गए हैं। चीजू कौन है? अपना ही आदमी है। हेलो संधि जी, चंद्रकांत बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मामा ने बताया कोमल पसंद आ गई शीनू को। सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जट मांगनी पट ब्याह करवा सकते हैं, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी बोलिए सर। हो सके तो संडे को मंगनी रखवाइएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों को आने में आसानी होगी, है कि नहीं? ओके सर। थैंक यू सर। अब बात तय हो चुकी है तो तैयारी शुरू करवा दीजिए। ठीक है सर। संधि जी, इस लड़के ने तो इनकार कर दिया और उधर उस फौजी ने तैयारी भी शुरू कर दी। जी डोंट वरी, मैं हूँ ना। आप भूल गए शीनू कैसे बहाने बना बना कर शादी टालता रहा? हर माँ बाप का हक होता है कि अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचे। जीजू तुम्हारे बेटे को मनाने का जिम्मा मेरा है, कान खोल कर सुन लो। शादी में सिर्फ दूल्हे के माँ बाप बन के खड़े रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जीजू मैं चलता हूँ, शादी की तैयारी करनी है ना। अच्छा मैं ना खाने पे मिलता हूँ। ए, सुन लो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पूरा खानदान ही पनौती है इनका। आज का लेक्चर कितना बोरिंग था यार। हाँ यार। हाय मनीषा। ए तुम वेले ही रहते हो क्या, काम धंधा नहीं है? इसका पीछा करना ही मेरा काम है। ए, उसने बोला ना तुझे पसंद नहीं करती, क्यों बंदर की तरह टपक पड़ता है? मैडम टपक तो तुम रही हो, तुम्हारी गलती नहीं,
लड़कियां मुझे देख के फ्लैट हो जाती है। ये पोपट अपने आप को अरुण धवन समझता है। आईने में शक्ल देखी अपनी, वो देखो वैसी शक्लें पीछा करेंगी अच्छा लगेगा या ऐसी शक्ल? सुन ना, इसके साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? चल मनीषा 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 मनीषा, अब क्या दिल निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूं? कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे तेरी बंदर जैसी शक्ल पसंद नहीं है? यार करके तो देखो, धीरे धीरे शक्ल के सब पसंद आएगा। तुम ही बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? तुम्हें बेताल की तरह कंधे पर उठा के शहर घुमाऊं, या फिर मेमने की तरह उठाकर तुम्हें लोनावला के पहाड़ पे ले जाऊं? ए मनीषा, ये तो जो बोतल में उतारने की कोशिश कर रहा है, जरा संभल के बताओ ना कैसे प्रूव करूं। प्रूव करना है? हाँ। तो उस चलती ट्रक के सामने कूद जा। क्या हुआ, चक्कर आ गया? बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। हवा निकल गई बेचारी। हाँ, और काला चश्मा भी। ए, वो तो सीरियस हो गया देख। अरे अरे क्या हो गया? देखो क्या हुआ, ट्रक के नीचे आ गया। अरे देखो मर तो नहीं गया, कोई अंदर घुसो, बाहर निकालो उसको। मैं जिंदा हूँ। अच्छा अच्छा हटे, बच गया कमीना। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, तमाशा खत्म, चलो अब अपने अपने घर जाओ, बाय बाय। ये तो एक नंबर का पागल है, तूने कूदने को कहा और कूद गया। मनीषा देवदास के खानदान का ही है, प्रूफ कर दिया, पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब क्या हुआ, मुंह फेर कर क्यों जा रही हो? क्या लगता है ये सारी हरकतें करके तू मेरा दिल जीत लेगा? अरे कोई असर नहीं होने वाला, तुझे देख के ना मुझे कोई फील नहीं आता है, तू समझ रहा है? मतलब कुछ कुछ भी नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रूव करके देखो। प्रूव करूं? वो कैसे? हाँ, ये जो चकोर चकोर छपरा है ना, इसके ऊपर चढ़ो और कूद जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। हाँ? अबे तेरा स्क्रू ढीला है। क्यों, क्या हुआ, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई ना? ये अच्छा है, लड़कों को प्यार हो तो उन्हें प्रूव करना पड़ता है। तुम लड़कियां जब बोलती हो प्यार नहीं है तो प्रूव नहीं करना पड़ेगा। चलो कूदो और प्रूव करो कि प्यार नहीं है। चल दफा हो। मतलब प्यार करती हो? नहीं करती। 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 करती हो? करती। यस, कर लिया एक्सेप्ट। सुनो चमचियों, कल सुबह खाली पेट आना, पार्टी दूंगा। ओके डियर। ए, तू मर क्यों नहीं जाता? हाँ, कम से कम इस रोज रोज के टॉर्चर से बच तो जाऊंगी। कितनी बार तुझे समझाना पड़ेगा कि मुझे तुझसे प्यार नहीं है? अगर अब मेरे पीछे आया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ए, नीत माल लाए, सौदा भी नहीं लिया? जाओ संभालो इस शराबी को। ए, लड़की छेड़ रहा है, चल निकल यहां से। चल चल, जा रहा हूं जा रहा हूं, पहली फुर्सत में निकल। ए चल, हवा दे। एक मिनट बात तो सुनो, एक आखिरी बार मनीषा से मिला तो बस, फिर परेशान नहीं। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। उस दिन तेरी बारी थी, आज मेरी बारी है, इसलिए अपना मुंह बंद रख, अपना गिफ्ट ले और चुपचाप निकल ले। चल जा। मुझे कुछ नहीं सुनना, रखो यहाँ से, दफा हो जा। क्या देख रहा है तो, जिसके लिए पागल है ना, उसने तेरा गिफ्ट खोल के भी नहीं देखा, अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया तुझे, मरने चला था उसके लिए। मेरी बहना के 6-7 बच्चे नहीं है, ये एक चला जाए तो दूसरे के सारे जी लेगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा टेका तुझे पाने के लिए, उसने ऐसा क्या मांगा तुझसे? तेरी शादी तो करवाना चाहती है, शादी करके इतनी सी खुशी नहीं दे सकता तू उसे? देख भांजे, तेरा यही रवैया रहा ना तो मेरी प्यारी बहना तेरी वजह से ऊपर चली जाएगी। तो तुम ही बताओ क्या करूं। राम जी खुश रखे। बी कॉन्फिडेंट, हाँ, बरसों से इसी पल का इंतजार था। बधाई हो सुना जी आपको। ये लीजिए सर।
देखिएगा शादी बहुत धूमधाम से करेंगे हम। आज तेरे को लदनी की मूवी दिखाता हूँ, तू भी याद रखेगा। ए, जल्दी आना। बस अभी गया, अभी आया। अच्छा सुन, तू चाय क्या, हम पहले मिल चुके हैं? लगता है आप मुझे भूल गए। वो हीरोइन बस डिपो, कुछ याद आया आपको? अरे तू पहले देसी मुर्गा था, अभी मुर्गा कैसे बन गया भाई? ये चमत्कार हुआ कैसे? वो कहते हैं ना, प्यार का वार सबको बेकार कर देता है। अच्छा, सरदार प्यार है, साथ में आइए तेरे। वो पिक्चर का टिकट निकाल रही है। तू लाइन में क्यों नहीं गया? ऊपर वाले ने गर्लफ्रेंड दी है, कुछ तो यूज होना चाहिए ना। अरे ये तो वही बस स्टॉप वाली मनीषा की दोस्त। हाय। अबे जाना था जापान, पहुंच गए चीन, कैसे लिया ऐसे चीन? याद है आपने मेरा ग्रीटिंग जला दिया था? हाँ याद है, पर उससे हुआ क्या? उस ग्रीटिंग की आग तो बुझ गई, लेकिन बुझते बुझते इसके दिल में प्यार की मोमबत्ती जला गई। बस कर, शर्माते शर्माते धागे ढीले कर देगा। ये काम अंदर अंधेरे में करना। भाई साहब, आप तो अकेले आए हो, तो फिर मनीषा कहाँ है? अबे क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ? मजाक मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मनीषा भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती है, यकीन नहीं है तो इससे पूछ लो। शटर बंद करोगे? ए, सच्ची तो कह रहा हूँ। क्या छुपा रही हूँ मुझसे? बात क्या है मुझे बताओ। कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? तुम मनीषा को तो नहीं बताओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कसम से। याद है तुम उस दिन ट्रक के आगे कूदे थे? जानते हो उसके बाद क्या हुआ था? ए, क्या मनीषा, कहीं उस देवदास ने तेरा दिल तो नहीं चुरा लिया? पता नहीं यार, पर लग तो ऐसा ही रहा है। सच कह रही है क्या? जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था उसी दिन दिल आ गया था। बस डर था कि कहीं टाइम पास ना कर रहा हो, पर उसके भोलेपन ने मेरा दिल जीत लिया है। ही इज रियली नाइस। फिर इतना ड्रामा क्यों किया? उसी वक्त बोल देना था ना। अभी तो बस प्यार की शुरुआत हुई है, और इस प्यार के लिए उसे और पापड़ बेलने पड़ेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। और उस दिन तुम्हारे ही स्टाइल में तुम्हें गिफ्ट वापस करना। कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। मैंने कहा ना, कुछ नहीं सुनना। उस दिन तेरी बारी थी, आज मेरी बारी है, इसलिए अपना मुंह बंद रख। मैंने कहा ना, चुप कर। पर वो जो ये ले अपना गिफ्ट ले और चुपचाप निकल ले, चल जा। अरे लेकिन कहा ना, चुप कर, चल निकल। तुमने अब तक नहीं देखा उस गिफ्ट में क्या है? क्या कहीं तुमने उस गिफ्ट को फेंक तो नहीं दिया? गिफ्ट व्हाट ब्रदर, तुम शिनू को फीक लेकर आओ। गॉट इट ना? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या गोची कर रहे हो? कुछ नहीं भांजे, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मामा श्री। ए, क्या हुआ? हेलो, टॉयलेट जाना है? अरे सीनू, अरे लुक लुक, अरे मेरे देह में दबंदी भी नहीं बती। ए कचर पट्टी लो, अलमोही मेरे साथ डोंट टॉक टू मच। क्या कर लेगी? हाँ बेशरम लोग, आदमी लेटर भेजता है और बीवी साहूकारी करती है। मुझे आज तक लेटर राइट नहीं किया, तुझे क्या सेंड करेंगे? बकवास मत कर ज्यादा, खुद को मिस इंडिया समझती है क्या? भीख मांगने के लिए फेंकी है? हाय हाय, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे मामा कहाँ पे? We are fighting. मामा कहाँ पे? Now continue. अरे तो ये गिफ्ट कवर क्या मेरी मरी सास लेकर आई थी? बड़ी शरीफ बन रही है, आदमी इधर उधर मुंह मारता है, और यहाँ खड़ी उसकी भोगा लग गई है। मैं सब समझती हूँ। और तो और उसने ग्रीटिंग कार्ड भी भेजा है, आई लव यू लिखा है, ले खुद पढ़ ले तू। अरे वो तो मैं हूँ, इसलिए तेरे मर्द की तरफ नहीं देखा। कोई और होती ना तो लेके फुर हो गई होती उसे। फोन नंबर भी लिखा, बेचारी मुझसे मिलना चाहती थी, पर मैं ही उसका इशारा समझ नहीं पाया। अभी फोन करके देखता हूँ। हाय। अरे अगर मुझसे प्यार करती थी तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहा? क्यों, फ्लर्ट करना सिर्फ लड़कों का आता है, लड़कियां फ्लर्ट नहीं कर सकती। जैसे तुमने मुझे प्रपोज किया वैसे मैंने कर दिया। गिफ्ट देखा तुमने शिनू? हाँ। आई लव यू। हेलो हेलो, हाँ सॉरी कट हो गया था। पर मैंने तो अभी कॉल किया। कौन बोल रहा? अरे मैं कोमल बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? सॉरी, सगाई वाले दिन ठीक से बात नहीं हो पाई। मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ। सब फ्रेंड्स ट्रीट मांग रहे हैं, इस सैटरडे हम मिल सकते हैं क्या? एक सेकंड जरा होल्ड करना। हाँ बोलो मनीषा। क्या हुआ, मेरे आई लव यू कहते ही तुम चुप क्यों हो गए? चुप क्यों हो गया? वो नेटवर्क प्रॉब्लम। तो अब बोल दो ना। क्या बोलना है? वही जो मैंने कहा।
आई लव यू। मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? इतना भी नहीं समझते बुद्धू? नहीं समझा। किस तो ना? फोन पे? हाँ। मनीषा एक सेकंड होल्ड करना। कॉन्फ्रेंस लग गया। हेलो 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 इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया फोन को काट दें और तीन चार साल तक बिल्कुल फोन ना करें। हेलो 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 फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो। हेलो हेलो कौन फंस गया? हेलो जी हेलो तुम लाइन पर हो? हेलो हेलो नहीं हो सकता, इम्पोसिबल, ऐसा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हाँ निकल निकल, भांजे की शादी करवाना चुटकी बजाने का काम है, याद रखना। मैं शीशे से पत्थर को तोड़ सकता हूँ, नो मेंशन नॉट। फोन रख, मैं कर रू कमाल, सीधी कर दू सबकी। हाँ बेटा, स्लोली स्लोली स्लोली। अच्छा बहन जी चलती। अच्छा लगा आप लोग आए तो। हाँ। हमेशा ऐसे ही कमिंग। हाँ। नमस्कार। हाँ। मॉर्निंग से कहाँ लॉस्ट हो गए थे, अंदर से वरी हो रही थी ना। चलो खाना खा लो। अरे बस थोड़ा टहलने। हाँ? गया था। ये विलेज नहीं टाउन है, आवारा सांड की तरह मत घूमो। कैरेट का हलवा बनाया आके ठूस लो। आया मेरी प्यारी बहना, बनाए गाजर का हलवा, आऊ मैं दौड़ा दौड़ा खाने के लिए हलवा। ये गिफ्ट तो मैंने पड़ोसी के घर में फेंक दी थी, यहाँ कैसे आ गई? हाथ में घड़ी भी तो उसी की है। ऐसा क्यों किया मामा? मेरी घड़ी पुरानी हो गई थी ना भांजे, इसलिए मैंने नई वाली ली। मना किया था ना जाल मत बिछाओ। जो हुआ सो हुआ, अब जाने देना भांजे। कहा था बुरे फंसोगे। भांजे मैं तेरा मामा हूँ ना। तुम कंस मामा हो और मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। खुद तो गधा है, ये मेरे बेटे को भी गधा बना दिया इस गधे ने। अच्छा मेरी लाइन क्लियर होने वाली थी, मुझे सगाई के चक्कर में टकला मत छुपाओ, आज तुम्हारा टकला फोड़ के रहूंगा। अरे कोई इस तरह मारता अपने मामा को भला? मेरी टांग टूट सकती थी, इस चांद पे दाग पड़ सकता था। इस चांद को पहले ग्रहण लग चुका है, किसने बोला था मेरी लव लाइफ में टांग लाने को? किसने सोचा था इस निखट्टू लड़के से कोई लड़की प्यार कर सकती है? अब 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 मतलब सपने में भी नहीं सोचा। निखट्टू नल्ले तुम हो क्या? क्या क्या अब तुमने मुझे उंगली की मामा, इसलिए गुस्से में मुंह से निकल गया। अरे अब ये रोना धोना क्यों कर रहे हो? काम तो मेरा खराब किया है तुमने। तुच्छे से प्यार के लिए अपने मामा की बेइज्जती करता है। क्या बोला? तुच्छा सा प्यार तेरे तो? अरे मेरी ढाल कहाँ है? छोड़ दूंगा। लड़की का प्यार मिलना अमेरिका का वीजा मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है, और तुम मेरे इंटरनेशनल प्यार को तुच्छा बोल रहे हो। भाई छोड़ दे। बात में दम है। पता है शादी के वक्त 4 से 5 हज़ार लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए 4 से 5 लोगों में काम चल जाता है। जरा सोच तेरे प्यार को जानने वाले कितने लोग हैं, 4 या 5। वैसे सोच घटिया है पर मेरे काम आ सकती है। करवाऊंगा मैं, तुड़वाऊंगा भी मैं। कैसे? फोन के ऊपर? शादी के दिन। मामा कुछ ऐसा करो कि बस मेरी ये सगाई ही ना हो। सगाई तुड़वाना इतना आसान नहीं है, इसमें 2 परिवार शामिल होते हैं। तू अपना प्यार कंटिन्यू रख, मैं मामला बिगाड़ने के लिए गोटियां फेंकता हूं। ना कोई गवाह होगा और ना कोई सबूत। नेताओं की तरह खोखले दावे दे रहे हो या वाकई कोई कड़क प्लान है? बस प्यार के पेच लड़ा। पक्का? हाय फोन कट गया था। फोन में बैलेंस नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ। सॉरी। अच्छा आज मिले? हाँ मिलते ना, रेस्टोरेंट में मिले 5:30 बजे। ओके मैं पहुंच जाऊंगा। अरे जाना मामा, या तो पीछे भागेगा या दूर भागेगा। हाय मेरी फ्रेंड से मिलो। हाँ। गायत्री। हाँ। सुमन। हाँ। कृतिका। हाँ। हम चारों बचपन से ही एक साथ हैं। मेरे भी 3 दोस्त हैं, अगर रोज नहाते होते तो तुमसे मिला देता। वो समझदार लोग हैं, 2 लवर्स के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। क्या कह रहे हो? अकेले मिलना था, पूरी बारात ले आई। अच्छा तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ नहीं लाई, क्यों? छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया? वो एक नंबर का कंजूस और मक्कार आदमी था, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता था। कुछ तो उसूल होने चाहिए। उसूल मतलब? इसकी हर बात माननी पड़ेगी, जब जहाँ बुलाए वहाँ आना पड़ेगा। ओ। हमेशा इसकी दुम बन के रहना होगा। ओ। और हमारे सामने आँख तक ना उठाए। वैसे मोहतरमा उसे बॉयफ्रेंड नहीं कुत्ता बोलते हैं। दीदी। हाय दीदी। हाय। इसके घर में और कौन कौन है? सिर्फ बहन ही है इसकी, माँ बाप तो इसके बचपन में ही गुजर गए,
स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ हॉस्टल में रह के किया। दिल की बहुत अच्छी है पर गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। संभल के रहना। ओके दीदी, फ्रेंड्स के साथ हूं, बाद में कॉल करती हूं। ए, रुक तो सही, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जो पैसे भेजे थे मिले क्या? अभी तक चेक नहीं किया दीदी। अच्छा जरा एक मिनट रुक तो। ए, मैं तुझसे कब से पूछ रही हूँ, तू कोई जवाब ही नहीं दे रही है। क्या पूछा आपने? वो जो कार्तिक है ना, तुझे पसंद करता है। हाँ? अगर तू हाँ कर दे तो अगले साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। तेरा क्या कहना है? नहीं दीदी, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। ए, ये क्या कह रही है, कौन है वो? दीदी रात को बात करते हैं, बाय। अच्छा ठीक है, चल बाय। हाँ ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था यार। अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा तो 6000 का खा गई। हाय। हाय। देर हो गई, कहाँ रह गए थे? ट्रैफिक। वाह, बता रहा है या पूछ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। चलो चलो। तो बेटा अब कहाँ जाने का प्लान है? जाके चिक्की खाएंगे और क्या, तो हम चले डालेंगे। डाले खा ले, शादी के बाद चिक्की भी नसीब नहीं होगी, ऐसे अकेले घूमना चाहिए। तो हम लोग भी चले। ओके बाय बाय बाय। वहां तक नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं है। प्रोजेक्ट के दिनों में मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं बंक कर सकती। 24 घंटे तुम्हें यही सोचता है क्या? ए, ऑनलाइन इंग्लिश शो नहीं देखती हो क्या? बात बात पे लोग क्या करते हैं, उठे तो केस, बैठे तो केस, रोए तो केस, झगड़े तो केस, यहाँ तक कि कोई मरता भी है ना तो भी किसी करते हैं वो लोग। खाली शो देखते कुछ सीखते नहीं। ए, किसके लिए पहले दिल में फीलिंग तो आनी चाहिए ना। करने से पहले अगर आंखें बंद करके तुम्हें तुम्हारा लवर दिखे और दिल उसके पास जाने के लिए कहे तो समझ लो किस करना है। अब आंखें बंद करो और देखो मैं दिख रही हूँ नहीं। स्टार्टर के लिए किस तो, पहले फील तो करो। समोसा। गलत टाइम पे आ गया। समोसा लाया बिडू। अबे समोसा लाया तो क्या मैं नाचूं? जाना कहीं और जाकर बेच। अरे तू मत चबा, लवर को खिला। अबे बुलडोजर, लवर को क्या खिलाना है मैं देख लूंगा, तू निकल चल। चिड़िया को दाना नहीं समोसा खिला। से नहीं मानेगा। कितना हुआ? 200 रुपया। अबे ये कौन सा समोसा है जो रिचार्ज के भाव पे मिलता है? नहीं चाहिए, जाए यहाँ से। अगर तू नहीं लेगा तो अपुन यही बैठेगा। तू क्या, तेरा बाप भी लेगा? अब जब बैठ ही गया तो थोड़ा उधर मुंह करके बैठना, छुप के किस कर लूंगा। चलो ऐसे उठने में तो 3 महीने लगेंगे, हम ही उठ जाते हैं। मेरे को बैठा के किधर फंड हो रहा है? दामाद जी इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इस बात का गर्व है मुझे। आजकल तो लड़के मंगनी होते ही मोबाइल गिफ्ट देके घंटों एक दूसरे के कान चबाते हैं। इतना ही नहीं, माँ बाप से छुप के डेटिंग पर भी जाते हैं। पर दामाद जी ऐसे नहीं है। अगर इसे पता चल गया वो किसी और के साथ जा रहा है तो हाथ की जगह गर्दन दबा देगा। इनफैक्ट शीनू बिल्कुल मेरे जैसा। पुराने फोन में भी 2 सिम कार्ड। जब हमारी मंगनी हुई थी ना, मैं इसे बाहर नहीं मिला, इसे मिस कॉल तक नहीं दिया। अभी ये मिस कॉल की कहानी सुना रहा है, बाद में हम सब क्या बोल रहे हैं आप ये? ना ही चौपाटी में मिले, ना ही चिक्की खाई, और तो और शादी के पहले बात भी नहीं की थी। इसे बहुत बुरा लगा। आप भी ना जी। देखा आपने, अभी तक गुस्सा। अभी हंस रहे हैं, सच्चाई पता चलने पर एक दूसरे को जूते मारेंगे। समधी जी कुछ कहना था। हमारे ज्योतिषी ने शादी के लिए 3 शुभ मुहूर्त बताए हैं, उनमें से 27 तारीख सबसे उत्तम है। अगर आप सहमत हो तो हम उस तारीख को क्या कहती हो, नेकी और पूछ जैसा आप कहें। हाँ तो 26 को बारात लेके आ जाइएगा और 27 को फेरे हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक रहेगा। 26 को रिसेप्शन मत रखिए जी। क्या हुआ, क्या बोल रही हो? पर ऐसा क्यों? बात यह है कि 2+6=8 और 8 इज अ पनौती आंकड़ा, घंटा 10 ने बोला था ना। अरे 8 को छोड़, असली पनौती तेरा बेटा है बहना। ये तो कुछ भी कहती रहती है, आपको जो भी तारीख अच्छी लगती है उसी तारीख को। वी हैव टू रेस्पेक्ट हर सेंटीमेंट्स। तो फिर 27 को ये बारात लाइएगा, 27 को ही फेरे करवा देंगे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आप खुश हैं? और पनौती निकल गई। किस दिन अभी एक 8 है, तूने उस घंटी बजा के थी। घड़ी क्यों रही है? भाई भाई भाई, इसी ने अपुन का समोसा नहीं लिया था। तुम्हें आगे देखो पीछे नहीं। ए अबे रुक, इधर आ। अभी ये देख, मेंढो की तरह उल्टा हो जाएगा। हां अपुन को मालूम है ऐसा। सच में चड्डी भाई साहब, समझ रहा हूँ कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, पर क्या है कि साथ में गर्लफ्रेंड है, इज्जत की वाट लग जाएगी। कुछ ले दे के नहीं, 2 समोसे मांगे थे ना। हा? चल 200 निकाल। हाँ ठीक है ना, ये लो 200 रुपए, खुश रहो। शिरू तुम इस गुंडे को पैसे दे रहे हो? पार्क में जो भी लवर्स आते तुम लोग उनको लूटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये आइटम को तो गर्मी चढ़ गई। भाई साहब हाथ छोड़, हाथ को लड़की से दूर रखने का। हाथ छोड़, गलत बात है। अबे हाथ छोड़। क्या सॉलिड पंच दिया कातिया, 2.5 किलो का हाथ पड़ेला है। भाई लोगों अब ये नहीं उठेगा। ए चिकनी, अपने भाई बंधुओं को बुला के लेके जा इसको। अबे ये तो उठ गया। इन मुंडों के मुंह मत लगो। एक सेकंड, जरा सैंडल निकालना। वो किस लिए? सैंडल निकालो तो सही। ए कातिया, ये सैंडल क्यों निकल रही है?
लगता मार मार के ले जाएगी इसको। अरे? तुम सैंडल्स क्यों पहन रहे हो? भाई समझ गया, समझ गया। ये क्या कर रहे हो शिनू? कैटवॉक कर, कैटवॉक। जब सैंडल पहन ही लिया है तो ठुमके भी लगा दे। शिनू की तुम लोग ने अब तक कॉमेडी देखी है, एक्शन तो देखा ही नहीं। रजनीकांत, लाते तो सब खाते हैं, आज तुम लोग जूते भी खाओगे। अब देखो सैंडल पावर। तू गया? ओ क्या खाई खोता है? चलो आराम से। अरे अरे सैंडल खाने की जरा रुक। शिनू क्यों प्यारे जीजू, जिस दिन तुम्हारी मेरी बहन से सगाई हुई थी तुम फोन करते रहते थे, ना उसे खाने देते थे ना पीने देते थे, घंटों बातें करते रहते थे, रात भर सोने भी नहीं देते थे, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन तुम्हारा वो लाडला सगाई को इतने दिन हो गए, ना कभी लड़की से मिलने की कोशिश करता है ना कभी उसे फोन करता है, मुझे तो उस निकट्टू की लाइफ में कुछ लोचा लगता है। ड्राइवर जरा गाड़ी रोकना। क्यों क्या हुआ? उस दुकान पे जाके सर दर्द की गोली लिया। किसको दर्द है? अरे जाओ ना। ठीक है। सबसे बड़ा सिरदर्द तो खुद ही है, गोली से कहाँ ठीक होगा ये? अरे ये तो इलेक्ट्रिक की दुकान है। चल के आजा, सारी चर्बी उतर जाएगी। जीजू कहाँ फंस गया? पहली बार बेटे की तारीफ सुनी तो छाती 56 इंच की हो गई। अभी जरा सी खुशी मिली ही थी कि तेरे भाई को जलन होने लगी। जब भी थोड़ा खुश होता मेरे मुंह की बात लगा देता है। चाइल्डहुड से लेके आज तक गालियां ही देते आए हो। ब्रदर नहीं होता तो शिनू की मैरिज कैसे फिक्स करते? ड्राइवर गाड़ी रोकना, तुम जरा 1 किलो आम ले आओगी? डोंट स्टॉप, चलो चलो। ओ एंगर देखो। हाय बेबी। हाय डार्लिंग। लव यू। आई लव यू टू। पहला दिन का चिराग घिस रहा है क्या? क्या हुआ? अली बाबा के 40 चोरों में से एक चोर आ गया था, बाद में फोन करता हूँ। हटो। हे हे, तेरे भाई के रंग में रंग गया तेरा बेटा। जानती हो फोन पे कोमल को कैसे किस कर रहा था? बुढ़े हो गए पर मस्ती नहीं गई। बुढ़ी तू होगी, मैं भी जवान हूँ। चल जा। चलो। ए किसिंग ऑन फोन। चाय से ज्यादा केटली गरम। ए माओ तेरी भूला मत, मन में बटरफ्लाई उड़ रहे और हमसे दिखावे का नाटक कर रहा है। 27 को तेरी बटरफ्लाई तेरे आसपास मंडराएगी। 27 को ऐसा क्या? अरे नौटंकी तो देखो, अगले महीने की 27 तारीख को तेरी और कोमल की शादी फिक्स किए भूल गया तू? वेरी फनी। शादी होने वाली है? मामा श्री का? अरे पी के किसी गटर में पड़ा होगा। भाई साहब ये एकनाथ जी का घर है। नाम ना ना, मैं चोर नहीं हो रहे। स्वागत है आपका। स्मशान वालों ने जिंदा छोड़ दिया? अबे टकले, शादी रुकवाने को कहा था, शादी तो नहीं रुकवाई, डेट फिक्स करके आ गए। अब उस हिटलर से मुझे जाके बात करनी होगी। मैंने तेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मुझे बीच रास्ते में एक लावारिस की तरह छोड़ दिया। वो तो एक भिखारी ने 2 रुपए दिए तो चाय पीकर यहाँ तक पहुँचा। सुन भांजे, तेरे पापा और उसका साई ससुर ने तेरी बलि का प्रोग्राम फिक्स किया है। तेरे पापा तेरे को छोड़ देंगे लेकिन तेरा ससुर तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसका 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ेगा ना उसका काम तमाम। तंबू में घबराहट मची हुई और तुम और डरा रहे हो। अगले महीने की 27 तारीख फिक्स हो चुकी है, उसे कैंसिल करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक रास्ता है भांजे, तेरा ससुर फौजी है और सारे फौजी गुस्सैल और अकड़ू होते हैं। तो क्या करूं? उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसके सामने मुझे ना करूं? उससे गुस्सा नहीं करना, माँ बेटी से पंगा लेना है, दोनों की जम के इंसल्ट कर, फिर देखना वो फौजी तुम्हारा रिश्ता 1 मिनट में तोड़ देगा। मामा घबरा के इतना कांपो मत, लुंगी उतर जाएगी। मैं खुद एक फौजी हूँ समझे, मुझे रूल्स मत सिखाओ, तुम बस अपनी ड्यूटी करो। ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कंट्रोल मामा। प्रभु रक्षा, मुझे वो सब कुछ नहीं सुना। हेलो दामाद जी, वेलकम, हाउ आर यू? ओ मामा जी गुड मॉर्निंग। अरे सुनती हो, बाहर आओ दामाद जी आए हैं, जाइए ना। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते घर समझिए।
अरे बाप रे, कपड़े तो मैंने उठाए ही नहीं, साड़ियां पड़ी हैं, धोती पड़ी है और सॉरी समधी जी, गलती हो गई। तो इस घर का दामाद है, तेरी बेइज्जती हुई है, चाय पानी नाश्ता कुछ भी नहीं पूछा, सीधे अंदर चली गई। अच्छा बनना है तो आते ही शादी के लिए ना कर दे। घर का बना है, घर का बना है, अब खा ले मामा, कभी देखा नहीं होगा ना। आप लोग खाइए, मैं आती हूँ। अरे दामाद जी आए हैं, तू अब तक ऐसे ही घूम रही है, जा जाके तैयार हो जा। इस तरह खाते हुए तुम पता है कैसे दिखते हो? कैसा दिखता हूँ? सुअर जैसा। शादी तोड़ने आए हो या लंगर लूटने के लिए आए हो? शादी तोड़ने की वजह ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, 2 रुपीस के आदमी तुम वजह नहीं मजा ढूंढ रहे हो, और ये मुंह में क्या? कुछ नहीं। चल। ओह, मनीषा का फोन, इस घर में कैसे उठाऊं? हेलो, लव यू शोना। लव यू जानू। अब किसी दो? क्या हुआ, दो ना? गलत टाइम पे उतावली हो रही है। अरे वाह, आज तो कोई बहुत रोमांटिक मूड। हे, मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही थी, उठाया क्यों नहीं? कमोड भरा पड़ा है, फ्लश नहीं चल रहा है, वही ठीक कर रहा हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तब मुंह निकाल के बोला था, अब फ्लश में मुंह डाल के बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम फ्लश ठीक करो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके जानू। मैं होने वाला दामाद हूँ। बचाओ, कोई बचाओ। ये मुझे काटेगा तो नहीं? डरो मत, ये नहीं काटता। तो क्या ये मेरा फोन नंबर मांग रहा है? भौंकते वाले कुत्ते नहीं काटते। अरे भौंकते तो सभी कुत्ते पगली। मैं इस घर के दामाद हूँ। मैं इंसान का दामाद हूँ, कुत्तों का नहीं। अरे बचाओ, ये काट लिया। पप्पू चुप कर। अरे एक मिसाइल छोड़ी 100 दुश्मन खलास, मैदान साफ। अरे दामाद जी कहाँ थे? टेक अ सीट, मैं बाहर ठीक से अटेंड नहीं कर पाया, सॉरी। जय हिंद। भाग्यवान, मामा बात छेड़ी नहीं, कहीं नहीं दिया। अच्छा हुआ टाइम पर आ गया, 3 बार मुझसे जय हिंद बुलवा लिया, तू आ गया तो बच गया। ये प्राइवेट में क्या डिस्कशन चल रहा है, मुझसे भी शेयर करो। हाँ ठीक है अंकल, उसी के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। बोलिए ना। देखिए मैं बोल तो दूंगा, लेकिन अगर बुरा लगा तो नो भर चुक। बोलिए ना, बोलिए। मामा कंटिन्यू ना। मिलिट्री सर, आजकल के नौजवान बड़ों की बात मानते ही कहाँ है, दिमाग से थोड़े खिसके होते हैं, यही बात मेरे भांजे पर भी लागू होती है। ये आपसे कुछ कहना चाहता है। इस शादी से सीनू समझ गया। शादी में बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स आएंगे तो दामाद जी के फ्रेंड्स को प्रॉब्लम होगी, लोकल छाप या नागिन स्टाइल डांस नहीं कर पाएंगे ना। अरे शादी में डीजे बुलवा के फुल वॉल्यूम पर सबसे लुंगी डांस करवाऊंगा, ऐसे पाजी। ये जंगल के गोरिल्ला की तरह मंकी डांस क्यों कर रहा है? रोको इसे मामा, ये मंकी डांस है। ऐसे सुनिए अंकल, अंकल मुजरा बंद कीजिए प्लीज। सामान गिर गया। डरो मत, आज सुबह एक प्रॉब्लम हो गई थी। खैर छोड़ो, आप कोई इम्पोर्टेंट बात कहना चाहते थे? दरअसल शादी। अरे बोलिए ना। मिलिट्री सर, आप कुछ प्रॉब्लम शॉब्लम की बात कर रहे थे। अच्छा वो। शांत शांत सर, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सर वो मेरी गलती नहीं है, इन सब की मिस्टेक है, गेट लॉस्ट। ए, एक तो गोली मारता, ऊपर से इंग्लिश भी बोलता है, तेरी वजह से आज ये लूला हो गया। जानता है आज सुबह इसके साथ क्या हुआ? ये घर के बाहर क्या बैठा, लोग इसे भिखारी समझ बैठे। बकवास बंद करो, बिना परमिशन के मेरी बाउंड्री में घुसपैठ की उसने, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। क्यों मिलिट्री सर, एक डाली ही तो थी, टूट गई तो दूसरी उग जाती ना, गोली क्यों चलाई? पागल सांड समझ रहे हो, यही बात है ना। सर मैं सच्चा और परफेक्ट फौजी हूँ, अगर कोई सरहद पार करे या मुझे बेवकूफ बनाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं पागल हो जाता हूँ और दुश्मन के सीने को गोलियों से छलनी कर देता हूँ। वो छोड़िए, आप कुछ कहने वाले थे, भूल गए।
अभी तक जाग रही है, सो जा। बस 10 मिनट और तुम दोनों की शादी हो जाती है। मैं अपने उन सभी श्रोताओं को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो आज रात हम अपने शो में इसी विषय पर बात करेंगे। शादी 7 जन्मों का पवित्र बंधन है। जीने मरने के वादे के साथ शुरू हुआ ये बंधन जन्म जन्मांतर तक चलता है। छोटी छोटी खुशियों के साथ आपका जीवन हंसते हंसते गुजर जाता है। इतनी धूप में बीच पे नहीं जाते, किसी रूम में जाते हैं। रेत पे बैठेंगे तो डूंगी जल जाएगी। किसी ने कुर्सी भी नहीं रखी यहाँ पर। ये लो, नाव में बैठना चाहिए तो खुलेआम शुरू हो गए। हम भी रिक्शे में बैठ के 10-15 राउंड मारते हैं, धूप भी नहीं लगेगी। क्या हुआ नारी शक्ति? लगता है कोपचा ढूंढ लिया इसने। कुछ आवाज आई, ऐसा लग रहा है कोई चूस चूस के नूडल खा रहा है। अरे वाह, 2 स्ट्रॉ डाल के नारियल पानी पी रहे हैं। चलो हम भी पीते हैं। अरे शो थोड़ी है जो तालियां बजा रही हो। अरे डिस्टर्ब मत करो, पाप लगेगा। अबे तू शराफत रास नहीं आई, फिर से टाइल चिपका ली। टाइल पीने के बाद मुंह भी नहीं पोछा, सारी दाढ़ी में लगी हुई है। कृतिका छुपने का कोई फायदा नहीं है, चलो उठो। जानू जानते हो इन्हें? अबे ट्रेलर तो कुछ और दिखाया था, पिक्चर कुछ और ही चल रही है। तूने मेरी कृतिका को धोखा दिया, उसके साथ जीने मरने का वादा करके तू आज इसके साथ है। और जब उसने तुझसे सवाल किया तो तूने उसे एसिड फेंकने की धमकी दी। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही एसिड फेंक सकता है? हाँ नकली ट्रेलर था। अब अगर किसी और लड़की के साथ दिखा ना तो ये असली ट्रेलर दिखाऊंगी तुझे। चलो शिनू। काय एसिड? हाँ वो भी असली वाला। अब भी अगर मैंने उसे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो वो मुझे भी गुनहगार समझेगी। क्या बात कर रहा है, तू सब बोल देगा उसको? हाँ? अरे पागल है क्या? अरे वो अपने दोस्त की खातिर किसी पे एसिड फेंकने को तैयार थी। अगर तेरा मैटर के बारे में मालूम पड़ा ना तो तेरा पूरा फैमिली जला के राख कर देगी। पूरी फैमिली? ये सीनू तू ना जाने अनजाने में एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा है, और तूने कोई गलत वायर काटा ना तो भड़ाम। अभी कुछ भी करने से पहले ना तू ठंडे दिमाग से 10 बार सोच। तूने अगर कोई गलत डिसीजन लिया ना तो तेरी जिंदगी का दी एंड हो जाएगा। क्योंकि दूर रह के बोलेगा तब भी समझ में आएगा, कान में घुसने की जरूरत नहीं है। ए मेरे को जो बोलने का था मैं बोल दिया, अब मेरा बियर का टाइम हो गया, मैं जा रहा है। जब अपन है इधर तो काहे का डर? रुके, मुझे अगर कुछ हुआ ना तो बचा लेना। मदद देने वाला है कि लेने वाला पहले डिसाइड कर। तेरी बियरी कैंसिल करता हूँ। ए इसके लिए खाली चकना लेकर आ। ध्यान रखना कुछ छूटने ना पाए। बात की चिक चिक नहीं चाहिए कि ये रिश्तेदार नहीं आया, वो रिश्तेदार नहीं आया। एक लौता बेटा है मेरा, इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि सबकी आंखें फटी फटी रह जाएगी। चाय नाश्ता दोगी? देती हूँ। उठ गए हमारे नवाब साहब, जरा इनसे भी पूछ लो कि ये इनविटेशन कार्ड चलेगा या किसी और स्टाइल का इनविटेशन कार्ड चाहिए इनको। हाँ बाद में नौटंकी मत करना। मामा जरा तेल की बोतल लेकर आना। भांजे। शादी रोकने का काम दिया था और कार्ड बांटने का काम कर रहे हो। भांजे अभी शादी नहीं हुई है, कोई गलत कदम मत उठाना। मुझे बहुत पहले उठाना चाहिए था। सास रुक गई तो शादी कैसे रोकूंगा? खुद बंद कर रोकना। समझ लो शादी कैंसिल। वो कैसे? सोचने दो मामा। कैंसिल। हमारे यहाँ एक परंपरा है, शादी का पहला कार्ड मंदिर में जाता है फिर बांटते हैं। लेकिन तेरे मम्मी पापा मंदिर में तो जाएंगे लेकिन कार्ड किसी को नहीं बांटेंगे। वो कैसे? कल देखना। अरे काहे तू सत्ता है रे, बाहर कर दिया आजा। आजा। हो रहा क्या? बाहर आजा। कब से कौए की तरह काँव काँव कर रहे हैं और तू है कि गेंडे की तरह बैठा है? तेरे चक्कर में वहाँ पूरा गाँव भूखा मर रहा है। जल्दी कुछ कर कंचना को बुला, रहम कर हम पर, रहम कर। बाहर मत आना कांचना, अगर बाहर आया तो इतना बड़ा त्रिशूल घोप देंगे। लगता है कांचना मायके चली गई है, अब उसे लाने के लिए खच्चर गाड़ी भेजनी पड़ेगी। अपना मुंह बंद रख, खच्चर गाड़ी मंगा रहा भारत तेरे बाप देगा? बस बहुत हो गया, मुंह क्या देख रही हो, शुरू हो जाओ। अब रहना चाहे आजा बाहर जल्दी आजा। हे भगवान मेरे बेटे की शादी बिना किसी विघ्न बाधाओं के संपन्न करना, आशीर्वाद बनाए रखना। मामा अपने भोकर जबान पे लगाम लगाओ और शादी रोकने पर ध्यान दो।
एक बार कपूर को बुझने दो। कौन सा, रणवीर या करीना? पुजारी जी, मुहूर्त का समय हो गया, पूजा शुरू कीजिए, हमें कार्ड्स बांटने हैं। मामा, मुहूर्त का काउंटडाउन शुरू हो गया, जो करना जल्दी करो। मामा के अंदर कांचना का भूत आने वाला है। कौन से पार्ट का? तांडव करके शादी रुकवा देंगे। हमें यहाँ से निकलना भी है। तुमसे एक्टिंग हो पाएगी क्या? मामा ने नाटक बाद किए हैं, लेकिन आज होगा तांडव। चलो शुरू हो जाओ। मुझमें कचरा 3 एंटर कर गई। अरे भैया, हमारी कचरा तो वहाँ है, चलो वहाँ चले। बाजे, वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? तू यहाँ है और हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसका GPS ऑफ होगा, इसलिए गलत पते पर आ गई। तू निकलने तो देता उल्टा हाथ का चल। मेरी कंचना तो यहाँ पर है, इसे छोड़कर कैसे जाऊँ? अबे ना तू दिलवाला ना ये दुल्हनिया जो इसे लेकर जाएगा। चुपचाप जाता है या दूं फट जा जाऊंगा। रसम तो पूरी कर लूं। ठीक है बाबा, जो करना कर, जल्दी कर। कैसे हो मामा? पहले से आराम है? खाना खाया क्या? खाया ना। क्या खाया? सांभर। किसके साथ? नरम इडली। मेदू वाला नहीं खाया? बात करने से दर्द हो रहा है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तुमसे नहीं हो पाएगा, कल मैं ही कुछ करता हूँ। मेरी ड्रेस कैसी लगी? हाँ, अच्छी है। मत कर और बोल दे सीनू। समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊँ। कोई बात नहीं, अच्छी नहीं लगी तो आप ना कह सकते हो। अरे नहीं 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 नहीं, ड्रेस तो अच्छी है, दरअसल कुछ और बताना था मुझे। किस बारे में? वो मेरी जिंदगी के क्या माँ, गलत टाइम पे क्यों फोन करती हूँ मुझे? जानता है आज तेरी अपकमिंग दुल्हन का हैप्पी वाला बर्थडे। क्या बात कर रही हूँ माँ? आज कोमल का बर्थडे? ए, तूने अभी तक उसे विश नहीं किया? बर्थडे के दिन बेचारी का दिल कैसे तोड़ूं? हेलो हेलो, नहीं होगा। अरे कहाँ डिसअपीयर्ड हो गया? आज अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने मत जाना। कोमल को फोन कर, बुला और मंदिर ले जा। मेक हर स्माइल। सीनू, इमोशन को साइड में रख, मुंह खोल और भक्त से बोल दे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। ये क्या सिर्फ विश ही करोगे, गिफ्ट नहीं दोगे? गिफ्ट मैं फोन करके तो स्पेशली मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, मुझे लगा बड़ा सा गिफ्ट लाओगे। हे डोंट वरी, मैं मजाक कर रही हूँ। चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। यहीं बैठ के हवा खाते ना। चलो ना, गिफ्ट नहीं मांगूंगी बाबा। किस दुविधा में फंस गया हूँ यार। स्क्वीज मी। यस बिल, थैंक यू। तो चले। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मजा आएगा। क्या हुआ, तुम बैठ क्यों गए? तीखा ज्यादा खा लिया ना तो एसिडिटी हो रही है। जलन को मिटाने के लिए कुछ ठंडा पीना पड़ेगा। मिल्कशेक पीते हैं? नहीं पी सकती, मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। मिल्कशेक नहीं पियोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ कट्टी। ओके बाबा, ठीक है। लो मैं बट्टी हो गया। तुम इतना झुक के बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी शेक पियोगे? अबे कोचू। यस सर। दो स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लेकर। आइस रहेगा? हाँ पिघला के डाल। दूध रहेगा? हाँ बकरी का। शुगर रहेगा? अबे मिल्कशेक बनाने नहीं आता तो भेज क्यों रहा है, चला गया से लेकर। ठीक है। तुम इतने घबराए हुए क्यों? पहली बार तुम्हारे साथ पीऊंगा ना। वो टेबल खाली है मैम। ओके, किसी का वेट कर रहे हैं। मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। अरे पर मिल्कशेक पीने के लिए हाथ क्यों धोना है? मुंह धो के आता हूँ। चल यहाँ बैठ जाते हैं। पहले एक भी नहीं मिल रही थी, अब दोनों साथ में आ गए। यस मैम, आप क्या लेना चाहेंगी? वॉशरूम किस तरफ है? उस तरफ। ओके। अरे अभी मेरा नंबर है। ये उल्टी आई है, तेरे पे हो जाएगी। ऑलरेडी दो लोग अंदर बैठे हुए हैं। बाहर निकलो, छापा पड़ा है। अरे खोलो भाई। अरे तेरा खटखटाना भाई सर पे क्यों मार रहा है? खोलो भाई, खुल गया।
तू क्यों आ गया? डबल सीट बैठेगा क्या? अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलता फिरता गैस स्टेशन। देख पहले मैं आया था तो पहला नंबर मेरा है, तू निकल यहाँ से चल। अरे नंबर को भूल जा भाई, वरना मेरी धोती खराब हो जाएगी। तेरी सिर्फ धोती खराब होगी, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अबे हाथ से निकल गया टकले। हाय प्रिया, हाउ आर यू? फ्लश को स्टेयरिंग बना के गाड़ी रिवर्स गियर में क्यों चला रहा है? पब्लिक टॉयलेट का मजा ही कुछ और है। क्यों पब्लिक टॉयलेट में कोई और आके धोता है क्या तेरी? कल जा निकल जा, कहाँ अटक गई? वो नहीं अटकी, मैं तेरे साथ अटक गया। जल्दी पी लो, चल रहा है। फोन किया था, पार्सल कर लेते हैं। ओके तो फिर चले। बैठो ना, अभी दिल भरा नहीं है। हम दोनों शाम को मिलते हैं ना? उससे अच्छा शाम तक यहीं पर बैठते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पापा को पता चला ना तो गोली से उड़ा देंगे। कह देना धोबी गाड़ गई थी। कपड़े सुखाने। ओह नो, पापा का फोन। अरे उनका फोन तुम क्यों उठा रही? अरे बुद्धू, उनका कॉल आ रहा है। बाहर जाके बात करती हूँ, उन्हें लगेगा मैं ट्रैफिक में हूँ। तुम जल्दी से बाहर आ जाना। एक मिनट, कोमल कोमल ले ला इधर। अरे लूट क्यों रहे सर, ये दूसरे का माउंट एवरेस्ट मैं खाऊंगा, उन्हें लोनावला बना के दे दे। आइडिया। हाय शिनू, एक बार कहो ना लव यू। एक दो ना। ए, इस वक्त मैं रेस्टोरेंट में हूँ। हाँ पता है। तुम्हें कैसे पता? वो तुम्हारे आसपास से सुबह सुबह जूस पीने की आवाजें आ रही हैं, इसलिए गेस किया। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना, आग बंद करके बताओ कि कौन दिखती है। आज के दिन तुम आग बंद करके बताओ कि मैं तुम्हें देखता हूँ या नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बंद नहीं करोगी तो निकलूंगा कैसे? क्या मतलब? मतलब आंखें बंद करोगी तो सपनों में आऊंगा ना। निकल ले। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे सिर्फ तुम दिखे। आंखें खुली होती तो भी सामने ही दिखता। अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा बैटरी खत्म हो रही है। पापा से बात हो गई, थोड़ी देर बैठ। अरे नहीं नहीं, पैसा वसूल हो गया, बिल भर दिया, अब घर चलते हैं। आ जाओ। हेलो, लव यू। लव यू। शुरू हो जाओ। क्या कर रही हो? बॉडी लोशन लगा रही हूँ। अच्छा शिनू, तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो ना, लोशन लगाने के लिए आ जाओ। hey, मजाक मत करो ना। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड की शादी है, उसे अर्जेंटली 5 ब्लाउजेस चाहिए। वो तुम्हारे एक टेलर फ्रेंड है ना, उसे प्लीज कहो ना एक हफ्ते में सिल के दे दे। अरे उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, वरना शादी के दिन बेचारे दुल्हन को बिना ब्लाउज के घूमना पड़ेगा, गले तक पेटीकोट बांधेगी, अच्छी नहीं दिखेगी। प्लीज शिनू, बहुत जरूरी है, मेरी फ्रेंड यहीं बैठी है, उससे बात करो ना प्लीज। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बात करो। हेलो हेलो जी, बहन जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका ब्लाउज कहीं और से सिलवा दूंगा। हेलो हेलो हेलो, बोलिए ना बहन जी। हेलो। हाँ बोलिए। कोमल बोल रही हूँ। कौन? कोमल बोल रही हूँ मैं। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अगर उसी से प्यार करते थे तो मुझसे सगाई क्यों की? मैं बताने वाला था पर। क्यों रे कमीने फ्रॉड, मुझे शर्म नहीं आती। मनीषा दो दो लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। नहीं, डबल गेम खेल रहा था तो? मनीषा ऐसा कुछ, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ कमीने। हेलो मनीषा। चुप हो जाना। ये शीनू किस लड़की के साथ जा रहा है? बाकी फ्रेंड्स को इस बारे में मत बताना। मेरी दुनिया उजाड़ के चैन से सो रहा है। भांजे
मैं मानता हूँ मैं उल्लू का पट्टा हूँ, मैंने जहाँ भी कदम रखा है सिर्फ और सिर्फ रायता ही फैलाया है, मुझे माफ कर दो। रात भर जागो तो पता है कैसी हालत हो जाती है, काट के उल्लू के जैसी फीलिंग होने लगती है रात भर, इसलिए जागा, पता नहीं कब डंडा पड़ जाए। 10 मिनट की झपकी ले लो भांजे, ऐसा सोचो कि सांप भी मर जाए लाठी भी। बोलिए आखिर बात क्या है? बताता हूँ, आप जरा अंदर तो चलिए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। लगा था मिलिट्री मैन गन लेकर आएगा, पर ये तो हंसता हुआ गया। इसका मतलब लड़की ने बाप को कुछ नहीं बताया। अब तुम्हें करना ये है, तुमने अपने मुंह का गंदा गटर बंद नहीं किया तो उसे हमेशा के लिए पैक कर दूंगा, समझे? तुम अपने चेहरे को जूते की तरह घस के चमकाओ, बाकी सब मैं संभालता हूं। नमस्ते दामाद जी, आइए ना। नहीं नहीं ठीक है, कोमल है क्या? कोमल ऊपर है, कोमल मैं बुला के लाती हूँ। नहीं आप रुकिए, मैं ही जाके मिलता हूँ। ठीक है। मैं मनीषा के बारे में तुम्हें बताने वाला था लेकिन उस दिन। देखो शीनू, मुझे तुमसे इस बारे में कोई सफाई नहीं चाहिए। पहले बताओ, फ्रेंड्स को इनविटेशन दिया? कितने सारे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? मेरा इरादा तुमसे कुछ छुपाने का या तुम्हें धोखा देने का बिल्कुल अच्छा, नहीं था। बताओ शादी पर तुम्हारी शर्ट कौन से कलर की होगी, फिर उसी हिसाब से मैं भी अपनी ड्रेस खरीदूंगी। कोमल, मनीषा के बारे में घर वालों को बता देना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर गलती से भी घर वालों को सच्चाई बताई तो पता है क्या हो जाएगा? पापा तुम्हें चौराहे पर खड़ा करके गोली से उड़ा देंगे। तुम्हें सब मजाक लग रहा है, मैं यहाँ सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि बस मनीषा मनीषा का जाप किए जा रहे हो। शर्म नहीं आती? चाहे कितनी भी कोशिश कर लो शीनू, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अगर चाहो तो आजमा के देख लो। कोमल मेरी बात तो बात हो चुकी है। फ्रेंड्स को बैचलर्स पार्टी दो, शादी की तैयारी करो और रिलैक्स करो। पर एक बार जो मैं दामाद जी को नीचे ले आ, कॉफी पीनी। माँ वो चले गए। ए हाय, अचानक से सरप्राइज कैसे? मनीषा से मिलना था। ए, वो अपने घर गई है, भूल गए क्या? घर कह गई? रही थी कि कुछ अर्जेंट काम है इसीलिए चली गई। देख मेरी बात मान शीनू, जितनी जल्दी हो सके उसको अपने दिल से निकाल, उसको रफा दफा कर, नफे में रहेगा। लाइट ऑन कर। हेलो। हाँ हेलो, क्या बात है, दुकान क्यों बंद है? शादी है ना तो उसी खुशी में हम अड्डे पर पार्टी कर रहे हैं। पर यार मैं तो तुम लोगों के पास ही आ रहा था। ठीक है तो वहीं पर आता हूँ मैं। ओके। हेलो। 5 मिनट में तुरंत मेरे घर पे मिलो। मनीषा? वहाँ क्या देख रहा है? धोखे बॉस। चला। बैठ। तू तो भेड़ के भेस में भेड़िया है रे। शादी कब है तेरी? अरे मनीषा मैं कुछ भी। बैठ वहां पे, नहीं तो पूरा हाथ काट दूंगी। बैठो बैठो बैठो। ओके ओके। तुझे अंदाजा भी है मैं तुझे कितना चाहती थी, कितने प्यारे प्यारे सपने देखे थे। मुझसे प्यार करके तूने एंगेजमेंट किसी और से कर ली। तुम गलत समझ रही हो, वो सब मुझसे अनजाने में हो। ओ, जैसे कि तू दूध पीता बच्चा है। तू एंगेजमेंट तेरे भूत ने की थी? आम मत कर, बात का जवाब दे। रुक जाओ, ये क्या पागलपन है? पीछे गया था मैं गया था। खुद को चोट मत पहुंचाओ। मनीषा अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत ले। शादी कल कितने बजे की है? मैंने पूछा शादी कल कितने बजे की है?
9 से 10:30। 9 से 10:30 कल सुबह 9 बजे तू मेरे पास आ जाना, रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारी शादी है। और अगर तू टाइम पे ना पहुंचा तो मैं अपने हाथ की सारी नसें काट लूंगी। चल अब निकल, चाकू अपने साथ ले जाओ। बोला ना जाए यहाँ से। ठीक है ठीक, चल ठीक है। अरे अरे हम लोग के लिए भी तो थोल। आज किसी को कुछ नहीं मिलेगा, मेरा दिल टूटा है, पूरी बोतल मैं ही पीऊंगा। ए तो दे बोतल ले। ए ए ए अर्जुना मुझे अर्जुना करूंगा जी के। अरे छोड़ अरे ए नौटंकी ये ले अरे अरे ले रे टकरा दे अरे क्या करके रहा। नमस्कार, खाना खा के जाइएगा। हाँ हाँ भाई चंद्रकांत, अरे तो भाव से दोगे यार। भांजे भांजे कहाँ हो भांजे? अरे बाथरूम जाने पे कोई इतना चिल्लाता है क्या? मैं तो डर गया था, ऐसे मुंह क्यों सुझा रखा है दूल्हे राजा? शादी में फेस एलईडी बल्ब की तरह चमकना चाहिए। अरे अब नाव में छेद हो चुका है, तुम्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। हो गया। कितनी प्यारी लग रही है। क्या करूं? क्या टाइम हुआ? कितनी देर लगा दी, जल्दी चलो आओ मेरे साथ। वो आ गए सर। सब लोग आ गए? हाँ। क्यों भाई, शादी के दिन भी इतना लेट आए? क्या शिनो, ट्रैफिक था इसलिए फंस गया। कोई बात नहीं, आइए साइन कर दीजिए। ये काम तो हो गया, अब एक दूसरे को हार पहनाइए। ये लो। क्या हुआ, चौंक गए? इससे मिलो, ये है कार्तिक, मेरे बचपन का दोस्त। तुम जैसे लड़के लड़की के साथ प्यार का नाटक करने में रंग बदलने वाले गिरगिट को भी पीछे छोड़ देते हो। तुझे क्या लगा था कि सिर्फ तू ही होशियार है? दुनिया भर की लड़कियां तुझ जैसे लड़कों के लिए सिर्फ खिलौना होती है ना? उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस तुम जैसे लड़कों के लिए कोई मायने नहीं रखते। क्या हुआ, खुद को बड़ा 30 मार खा समझता था? तो वो नहीं है, तू एक नंबर का इडियट है। आप सब सिर्फ हंसी क्यों रहे हैं? इतना अच्छा डायलॉग मारा है, सब लोग तालियां बजाओ ना। एक बात पूछनी थी, लड़के को जब लड़की अच्छी लगती है तो वो अपनी हरकतों से प्यार जाहिर कर देता है, लेकिन जब लड़की प्यार करती है तो पता नहीं उसे प्यार छुपा के लड़के को तड़पाने में क्या मजा आता है। काश तुमने ऐसा ना किया होता। आज अपना प्यार पाने के लिए जानती हो मैंने क्या किया? मैंने अपने को धोखा दे के अपने मंडप से भाग आया मैं। मुझसे बदला लेने के लिए इस बेचारे बॉडी बिल्डर को बकरा बना दिया, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए सब किया ना। अब भी मेरी जिंदगी की ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी है, छूटी नहीं है, आधा घंटा बाकी है, दौड़ कर जाऊंगा, पकड़ लूंगा। कम ऑन कार्तिक, लेट्स गो। बोलो भांजे, कहाँ हो तुम? कितने फोन किए तुम्हें, जवाब क्यों नहीं देते तुम? गूंगे हो गए हो क्या? बोलो भांजे। मैं शादी करने आ रहा हूँ। उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, छोड़ूंगा नहीं उसे, तोप से उड़ा दूंगा, गोली मार दूंगा। ए, 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 रुक तू, इसको अंदर किसने रखा? जान से मार दूंगा मैं तुझे, नालायक निकम्मे, कहां भाग रहा तू? रुक जा, छोड़ो मुझे, गोली मार दूंगा, तूने हमारी बेइज्जती करा दी, जान से मार दूंगा। बस कराओ मुझे। क्या कर रहे हो जीजू, क्या हो गया तुम्हें? ये लड़की का बाप है, इसे मारना चाहता है, तुम इसके बाप हो, शांति से शादी की रस्म पूरी करनी चाहिए, हाथ संभालने के बजाय उसके पीछे पड़े हो। चुप कर, बंद कर बकवास, इस पे केस करके जेल भेजूंगा, तभी कलेजे को ठंडक मिलेगी, छोड़ूंगा नहीं इसे। देशद्रोही, प्लीज भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उसकी गलती है। पर अभी भी मुहूर्त खत्म नहीं हुआ है, मुहूर्त खत्म होने से पहले हम इनकी शादी करवा देंगे। माफ कर दीजिए जी। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धाश्रुराः, स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिना क्षरयो वरिष्ठनेमिः, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। वरवधू अपने हाथ आगे करें।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु सर्वे ग्रह शांति करांतु ओम शांति ओम शांति। आज मैं बहुत खुश हूँ। माफ करना, मंगलसूत्र पहनाते समय आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। दरअसल काम ही मैंने ऐसा किया है कि अब उसे भूल जा बेटी। हाँ, ले पानी। मजाक लग रहा है? इसका बेटा मंडप से भाग गया और ये माफी मांग रहा है मैं इसे माफ कर दूं? हाँ? उसे नहीं छोड़ूंगा। ये गुस्सा तभी शांत होगा जब उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। हट। अरे चंद्रकांत, बात तो सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे हालात में अपने आप को काबू में रखना चाहिए। अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारी छोटी सी गलती से बच्ची का भविष्य खराब हो सकता है, और ऐसे गुस्सा करने से हालात सुधरने वाले नहीं है। तुम कॉलेज में भी ऐसे थे और आज भी उतना ही गुस्सा करते हो। तो बताओ मैं क्या करूं यार? देखो, ये है मेरा बेटा किशोर, ये मीडिया इंडस्ट्री में है और तुम्हारी बेटी को बचपन से जानता है, ये तैयार है। लेकिन पहले एक बार कोमल से पूछ लो, अगर वो तैयार है तो। कोमल से पूछ लो। आओ, हम बाहर चलते हैं। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धाश्वराहा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना अक्षरयो अरिष्टनेमि। सबकी शादी की शहनाई बज रही, मेरे ही बेटे की पुंगी बज रही है। बेटे की शादी देखने के अरमान मिट्टी में मिल गए। बेरा, अब रोके क्या होगा, अपने आप को संभालो। अभी हमारे शीनू की उम्र ही क्या है, अरे इससे भी सुंदर लड़की ढूंढेंगे इसके लिए। बंद कर बकवास। इतना कुछ करने के बाद कौन देगा उसे अपनी बेटी? मैं ला कर दूंगा। पति जी, क्या शादी को इतना वक्त हो गया, सब लोग पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे कब होंगे। अच्छा, 2 महीने बाद नया साल आ रहा है, खुशखबरी दे देना। बचपन से ही अपने मोटापे के लिए मैं ताने सुनते आई हूँ। मन ही मन खूब रोया करती थी, पर जब तुमने मेरी हंसी उड़ाई तो भगवान से पूछा मुझे पैदा ही क्यों किया। शादी के दिन से लेकर आज तक मुझे कभी बाहर लेकर नहीं गए, कभी भी प्यार से बात नहीं की, हग करना तो तुमने मुझे टच भी नहीं किया। तो मुझे प्यार करते हो नहीं? अगर नहीं करते तो भूल दो, मैं चुप चाप अपने माँ बाप के घर वापस चली जाऊं। फूलवती, किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम मुझे प्यार करते हो? क्या सिर्फ डाइटिंग और मेकअप पे खर्चा करने वाली लड़की का ही मोल है, जिनके पैर घर में टिकते भी नहीं है? असली खूबसूरती सादगी में होती है, जो दिल देखती है बजट नहीं, उन्हीं से घर बसता है, वरना आदमी तो कुछ भी नहीं है ना। पति जी। हाँ बोलो। पति जी, मैं तुम्हें 2-4 कसके किसी दूँ? दे दो, 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 द